हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 10th लेक्चर ऑफ जीएसटी। एंड आपको मालूम है हम फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे। नाइन्थ लेक्चर में बेटा हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और आज हम फोर्थ चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमने एक सर्विस पढ़ी थी, आपको याद होगा, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट से रिलेटेड सर्विस के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था, काफ़ी बड़ी थी ये। आज हम लोग आएंगे दोस्तों नई सर्विस जिसका नाम है एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस। बहुत आसान है, ईजी है, कुछ एंट्रीज है। और एक चीज आपको बताता हूं, इस बार इस सर्विस पे मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। बहुत चांसेस है इसके ऊपर क्वेश्चन आने के, बहुत 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 चांसेस है। बराबर आई बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसके अंदर पहला एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस में एंट्री नंबर 24 ए 53 है, तो छोटी छोटी एंट्री है, और जो 54 है ये काफी बड़ी और इंपॉर्टेंट एंट्री है। चलिए, सर्विस बाय वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयरहाउसिंग। अब बेटा ये चीजें आपको बार बार दिखेंगी हर जगह, इसमें एक चीज देखना जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, इसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इसमें ट्रांसपोर्ट टेशन नहीं लिखा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अलग से जीटीए सर्विस के अंदर है। किसमें है वो? जीटीए सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, बराबर है। तो ये वहां पे रहेगा, इसलिए यहां ट्रांसपोर्टेशन वर्ड नहीं लिखा गया है, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो सर्विस बाय वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ राइस, यहां लिखा है राइस, राइस के लिए, यानी राइस के लोडिंग अनलोडिंग, राइस मतलब चावल, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग राइस का कोई सर्विस देता है तो सर्विस एग्जेम्प्ट है। सर्विस बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो रहते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। अब यहां सर राइस अलग क्यों लिया जरा एंट्री नंबर 24 में, ये आपको बताऊंगा, क्योंकि राइस जो है ना वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, ये आपको 10 मिनट बाद समझ में आएगा, लेकिन उसके पहले यहां लिख लेते हैं हम क्या है, क्या लिखना है, राइस is not a agriculture produce, rice agriculture sorry rice is not agriculture produce, agriculture produce को मैं आगे एपी बोलूंगा, आंध्र प्रदेश नहीं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एपी, ठीक है। तो आप थोड़ा समझ लेना इस चीज को, राइस इज नॉट द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये बात अभी ध्यान में आपके ला रहा हूं मैं, कोई बात नहीं। सर्विस बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जहां वेयर हाउस में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखते हैं वहां फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन मतलब दवाई छिड़कना, दवा छिड़काव करते हैं ना ताकि उसमें कीड़े वगैरह ना लगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, उसको कहते हैं फ्यूमिगेशन, ठीक है, उस टाइप की सर्विस। तो वो सर्विस कोई देता है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। अब आते बेटा एंट्री नंबर 54, वेरी इंपॉर्टेंट, काम की, सबसे काम की यही एंट्री है, ठीक है। इंक्लूड एंट्री 54, देखिए ये दो तरीके से लिखा है मैंने, एक यहां पे लिखा है और एक यहां पे। इसमें बेटा 8 एक्टिविटीज है, टोटल 8 एक्टिविटीज है जो अगेन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आती है, ठीक है ना। अब आपको एक थोड़ा सा एक जनरल कॉमन सेंस बताता हूं, इसमें कल्टीवेशन टाइप प्रोसेस बोलो या फार्म तक, जो भी फार्म के ऊपर प्रोसेस होता है वो सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आता है, वो एक्टिविटीज को एग्जेम्प्ट रखा है। जैसे मिल में आ जाता है राइस मिल दाल मिल, फिर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रहता, ऐसा जनरल एक व्यू बना लो अपने दिमाग में। ये जनरल व्यू बनाने से आपको आसानी मिलेंगी, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है वो एग्जेम्प्ट भी नहीं है, बराबर है। ऐसा जनरल, मैं जनरल कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादातर चीजों में ये चीज एप्लीकेबल होंगी, ऐसा नहीं कि हर चीज में एप्लीकेबल होंगे, नहीं, ज्यादातर चीजों में ये चीज एप्लीकेबल होने वाली है, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक ब्रीडिंग ऑफ फिश, पेसिकल्चर जिसको कहते हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स जिसको सेरिकल्चर बोलते हैं, कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स जिसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, एंड हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा, इस टाइप की चीजें इसके अंदर आ जाती इस एंट्री में, मतलब दीज सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो टर्म एग्रीकल्चर, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गई तो बेड़ा पार और नहीं समझी तो क्वेश्चन गलत, ये समझ लेना, आंसर गलत सॉरी, तो इसलिए समझ लो, और एक बार समझ गई तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं रहेगी, हर चीज पे वो चीज आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
रट्टा नहीं मारना पड़ेगा इन शॉर्ट, तो समझने वाली बात है। एनी प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल, हर तरह के एनिमल्स की पालना, पोल्ट्री हो गया, काउ फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स। पहली लाइन में देखिए, अब आगे की तीन पॉइंट छोड़ दो, पहले सिर्फ पहले पॉइंट में, पहले पॉइंट में क्या पढ़ा सर, एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एनी प्रोड्यूस आउट ऑफ व्हाट, कल्टीवेशन, किसको कल्टीवेट कर रहे हैं सर, प्लांट्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, और प्लांट्स का हो गया। उसके बाद साथ ही क्या लिखा, रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स, इंसानों की रियरिंग नहीं, एनिमल्स की, ठीक है, एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस। इसको एक साथ पढ़ो, इतना इतना एक साथ पढ़ो एक बार। क्या पढ़ा हमने, एनी प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, इट इज व्हाट, इट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स बेटा फार्म पे होता है, खेत में होता है, ये बात ध्यान रखना, मील में आने के बाद वो फिर कल्टीवेशन के डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और साथ ही साथ रियरिंग ऑफ क्या, रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस, एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस, यानी हर तरह के जानवर की रियरिंग अलाउड है घोड़ों की छोड़ के, यानी अगर घोड़े की रियरिंग हो रही है तो रियरिंग है मतलब उसको पालना पोसना बड़ा करना, नए हॉर्स पैदा होते हैं, सब चीजें हो गई, तो वो रियरिंग ऑफ हॉर्स टैक्सेबल में आ जाएगा, वो सर्विस टैक्सेबल में आएगी, एग्जेम्प्ट क्या है उसका, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्या रियरिंग करना है, ऑल फॉर्म्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्स, काहे के लिए रियरिंग कर रहे हैं, काहे के लिए, फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट, किसी के लिए भी अगर आप रियरिंग कर रहे हो तो फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल या सिमिलर प्रोडक्ट्स, ऑन विच आइदर नो फर्दर प्रोसेसिंग इज डन और सच प्रोसेसिंग इज डन एज इज यूजुअली डन बाय कल्टीवेटर और प्रोड्यूसर विच डज नॉट ऑल्टर इट्स एसेंशियल कैरेक्टर। गेहूं एग्जाम्पल देता हूं, प्लांट कल्टीवेट किया, वीट निकाला, या कपास, कॉटन, कॉटन के पूरे झाड़ से कॉटन निकाला और कॉटन निकालने के बाद उसको बैग में भर दिया और बैग में भर के ट्रक में लोड करके लेकर गया, क्या ये फार्म से रिलेटेड काम हुआ? हाँ, क्योंकि सर कॉटन का असेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा, पहले भी कॉटन था, बैग में भरने के बाद भी कॉटन हुआ, क्या उसको ऐसे कैसे में उठा के ट्रक में डाल सकता था कि नहीं सर, उसको बैग में तो भरना पड़ेगा ना एटलीस्ट। ये जो प्रोसेस है इट इज यूजुअली डन बाय कल्टीवेटर, ये तो कल्टीवेटर करता ही है, गेहूं के अंदर उसका धान निकाल के बैग में डालना ये कल्टीवेटर का ही काम है, और इससे उसका एसेंशियल कैरेक्टर कॉटन कॉटन ही है। लेकिन अगर वो कॉटन जिनिंग मिल में चले जाता है और वो स्पिन हो जाए, स्पिनिंग जिनिंग हो जाती है, उस कॉटन की धागा बन जाता है या प्रोसेस्ड हो जाता है, ये कल्टीवेटर नहीं करता फार्म पे, ये जिनिंग मिल में होता है। वो काम अगर फार्म पे गलती से उसने किया तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, दैट इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये समझ लेना। कॉटन निकाला, ठीक है, बैग में भरा, वो सर नॉर्मल है, वो कल्टीवेटर यूजुअली करता है, और उससे कॉटन कॉटन ही रहता, कुछ अलग नहीं होता, उसका क्या बोलते हैं अपन, एसेंशियल कैरेक्टर ऑल्टर नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और जैसे ही कहीं और चला गया फिर तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रहेगा। अभी काय के लिए कर रहे हैं, मेक इट मार्केटेबल फॉर प्राइमरी मार्केट, सब्जियां भर के लाते हैं प्राइमरी मार्केट में, एपीएमसी मंडी में, तो ये जो है मेक इट क्या के लिए ला रहे, मार्केटेबल, ऐसे कैसे कॉटन का ढेर देंगे कि किसी को नहीं सर बैग में तो भरना पड़ेगा ना, मेकिंग इट मार्केटेबल क्यों कर रहे हैं, मेकिंग मार्केटेबल फॉर प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में मार्केटेबल करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, तो ये थी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन, ठीक है। अब इसमें एक सवाल आता है दोस्तों, ध्यान से सुनना, मैं घर पे कल्टीवेट कर रहा हूं, क्या मैंने समझ लीजिए घर पे कल्टीवेशन स्टार्ट किया, घर पे अपने लिए थोड़ा सा, घर पे होम कल्टीवेशन, क्या ये एग्रीकल्चर है? होम कल्टीवेशन में किसी भी चीज का झाड़ लगा दिया घर पे, कोई भी फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, क्या वो कल्टीवेशन है? क्या मेरा घर फार्म है? नहीं। क्या होम कल्टीवेशन एग्रीकल्चर माना जाएगा? सॉरी, होम कल्टीवेशन से जो प्रोडक्ट निकला क्या वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? नो। घर पे उगा था मैं बेचने के लिए थोड़ी, फूड, फाइबर, रॉ मटेरियल अदर, नहीं मैं इसलिए नहीं कर रहा, मेरे घर पे उगाया, कंज्यूम कर लिया, काम खत्म,
आई बात समझ में, बेच नहीं रहा हूं मैं उसको, ठीक है। दूसरा, अभी आपने बोला कि आप ये कोई भी तरह के रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, मैंने घर पे गाय पाली, मैंने घर पे मुर्गी पाली, घर पे कुत्ता रखा, वो क्या है? एज अ पेट है, एज अ पेट, पालतू जानवर, समझ आई बात? उसकी रेयरिंग अगर होती है घर पे, वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, उसमें भी जीएसटी लगेगा, दैट इज नॉट एग्जेम्प्ट, दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर एंट्री 54। चीज समझ लेना बात, ये एंट्री एंट्री 54 है बेटा, समझ आ गया? आई होप समझ आ गया। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, घर पे रख रहे हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थोड़ी, अभी फार्म में, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, गोट फार्मिंग, बहुत इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बड़े लेवल पे, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज आइदर सब्जेक्ट टू नो फर्दर प्रोसेसिंग एट ऑल, और इफ प्रोसेसिंग इज अंडरटेकन ऑन दैट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इट शुड नॉट ऑल्टर इट्स एसेंशियल कैरेक्टर्स, बट इट मेक इट मार्केटेबल फॉर प्राइमरी मार्केट। फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर प्रोसेस कैरिड आउट एन एग्रीकल्चर फार्म इंक्लूड टेंडिंग, पर्निंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, इस टाइप के प्रोसेस एग्रीकल्चर फार्म पे किए जाते हैं, और ये प्रोसेस से वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एसेंशियल कैरेक्टर ऑल्टर नहीं होता है, और साथ ही साथ ये करना जरूरी इसलिए टू मेक इट फिट फॉर मार्केट, प्राइमरी मार्केट, मार्केटेबल करने के लिए उतना काम करना जरूरी है। अब यही चीज देखिए फिर से लिख कर दी हुई है, अगर मैं यहां से यहां तक बोलू ना, यहां से यहां तक, तो ये पता है क्या है? ये एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है, इट इज डेफिनेशन, सॉरी, इट इज डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है बेटा, यहां से लेके यहां तक, ये समझ लेना बात, वही जो आपको बताया। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता, आगे लिखा, एग्री प्रोड्यूस बाय वे ऑफ, इसमें एट एक्टिविटीज है, कितनी है? एट एक्टिविटीज, और ये सारी एक्टिविटीज है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आ जाएंगी, सारी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आएगी, इन एक्टिविटीज को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहा जाएगा। और अगर एक बार एक्टिविटी को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहा जाता है, कम ऑन, तो क्या होगा? उसको एग्जेम्प्ट माना जाएगा, एनी सर्विस रिलेटेड टू सच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सीधी सीधी बात, नो बकवास, चलिए ध्यान देंगे। तो इसमें कितनी है? आठ एक्टिविटीज है, मैं यहाँ पे नोटेशन तो दिया है लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, ये नंबर वन है, ये नंबर टू है, ये नंबर थ्री है, ये नंबर फोर है, ये नंबर फाइव है, ये नंबर सिक्स है, ये नंबर सेवन है, और ये नंबर एट है, ठीक है। ये तो आपको मालूम है, सर्विस बाय वे फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये तो आपको मालूम है, तो ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिर से। हाँ मैं आता हूं इस पे वापस, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान, सिर्फ समझना है, एकदम रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन अब देखिए मैंने क्या किया है, इसके बाद जैसे ये समरी बना के दिए, अब ये आठों एक्टिविटीज यहाँ लिखी हुई है, आप क्या करो ये पढ़ते पढ़ते, देखिए एक बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ, मैं तो पूरा पढ़ा रहा हूँ, समरी आपके साथ में मैंने दे दी है, नोट्स के अंदर डाल दिए, आपने क्या करना चाहिए, जितना मुझे समझता है इस समरी के अंदर अगर कुछ और ऐसा आपको लगता है कि लिख लेना चाहिए, तो आपने क्या करना, पढ़ते पढ़ते इसके अंदर नोट कर लेना, ठीक है। और फिर एग्जाम के एक दिन पहले या रिवीजन करते वक्त, जितना भी आप रिवीजन करोगे, सिर्फ समरी समरी पढ़ते रहना, सिर्फ समरी, तो ये चैप्टर आपका 1 घंटे में पूरा पढ़ के हो जाएगा अगर आप समरी को अपडेट कर लोगे। तो आपका काम क्या है, पढ़ो पूरा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, और फिर पूरा पढ़ के फिर समरी एक बार देखिए, और फिर जो पूरा पढ़ा उसके साथ समरी अपडेट कर लो अगर आपको कुछ करना है तो। अब आप बोलोगे सर आपने क्यों नहीं समरी अपडेट कर दी, बेटा अगर मुझे समरी पढ़ाना था तो मैं इतना सारा काय के लिए लिखता, समरी अपडेट करके देता ना, ये लो पढ़ लो, तो आधा अधूरा पढ़ाना हो जाता, दैट्स व्हाई वैसा नहीं किया है, पूरा पढ़ाया है, फिर समरी बना के भी दिया, इतना काम आपके लिए कर दिया है। अब अगर आपको इसमें कुछ लगता है, मुझे जितना समझ में आया मैंने समरी में लिखा है, मॉड्यूल में भी समरी थी, मॉड्यूल का भी यूज किया, अपना दिमाग भी लगाया, सब कर दिया, इसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कई बार हम लोग लिखते हैं ना, आप लोग शॉर्ट नोट्स अपने बनाते हो, तो आप इसमें अपडेट कीजिए, इससे क्या होगा, पूरा के पूरा आपके समरी अपडेट हो जाएंगी, और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, बस हमेशा समरी पढ़ते रहो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है, मार्किंग कर सकते हैं आप, चलिए ठीक है।
एग्रीकल्चर ऑपरेशन एग्रीकल्चर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन हार्विंग थ्रेशिंग प्लांट प्रोटेक्शन और टेस्टिंग, इसको भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहा जाता है। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, फार्म लेबर मतलब फार्म पे एग्रीकल्चर फार्म पे लेबर सप्लाई करने की अगर सर्विस, क्योंकि लेबर आजकल मिलते नहीं, पहले तो मिल जाते थे, आजकल लेबर्स बुलाने पड़ते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, तो अगर ऐसी कोई सर्विस आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। प्रोसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म इंक्लूडिंग टेंडिंग पर्निंग, ये अभी पढ़ा था, कटिंग हार्वेस्टिंग ड्राइंग क्लीनिंग ट्रिमिंग सन ड्राइंग फ्यूमिगेशन क्योरिंग सॉर्टिंग ग्रेडिंग कूलिंग और बल्क पैकेजिंग एज सच लाइक ऑपरेशन, ये ऑपरेशन काहे के लिए कर रहे हैं आप, विच डू दे डू नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बट मेक इट ओनली, काहे के लिए कर रहे हैं, ओनली मार्केटेबल फॉर प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में मार्केटेबल हो ताकि बिक जाए प्राइमरी मार्केट में, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूं फार्म के ऊपर जो जरूरी है जिससे उसका एसेंशियल कैरेक्टर नहीं खत्म होता एज इट इज रहता। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, चाय पत्ती, चाय पत्ती की पत्ती तोड़ते फार्म पे और वो पत्ती को पैक वैक करते होंगे कि नहीं करते होंगे, बैग्स में किसी भी चीज में, बैग में डालना क्या वो पैकिंग करना ट्रक में लोड करना, क्या ये एसेंशियल कैरेक्टर ऑल्टर कर रहा है नहीं। अब चाय पत्ती आ गई चाय पत्ती की फैक्ट्री में, उसके बाद उसको रोस्ट करके जो पत्तियां बन रही है फ्लेवर्स डाल रहे हैं, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बस पत्ती तक ही रहेगा। तो आप इमेजिन करिए हद केस टू केस ये चीज डिफाइन करेंगी, हम आपको जनरल पढ़ा रहे हैं, आई बात समझ में। उसके बाद आता है रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड। अब मेरे पास समझ लीजिए खेती है, समझना क्या है, मेरे पास एक सामने रोड पे खेती है, वो खेती खाली पड़ी है, मैं तो वहां जाके खेती कर नहीं सकता, तो आई एम रेंटिंग या लीजिंग, किसी को लीज पे दे रहा हूं वैकेंट लैंड मेरा, या कोई वहां मशीन भी पड़ी है एग्रीकल्चर रिलेटेड मशीनरी, तो मैंने वो भी दे दिया। रेंटिंग लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड विद और विदाउट स्ट्रक्चर और इंसिडेंटल टू यूज, वहां स्ट्रक्चर बना हो या नहीं बना हो, इंसिडेंटल टू यूज मतलब भैया कभी कभी थोड़ा स्ट्रक्चर बना के रखते हैं भैया, जो गेहूं उग गया बोरे में डाल के साइड में रखने के हिसाब से, बराबर है। अब इसके बाद एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी दिया है मूलचंद वाला, मूलचंद हैज लीज आउट टू अ फार्मर तुलसीदास, एक तुलसीदास नाम का फार्मर है और मूलचंद नाम का आदमी जिसका लैंड है, अ वैकेंट लैंड फॉर एग्रीकल्चर, द लैंड हैज अ ग्रीन हाउस एंड स्टोरेज शेड, एक स्टोर करने के लिए शेड बना के दिया हुआ है, विच इज इंसिडेंटल टू यूज, अब वो काय के लिए, कोई अलग से शेड है क्या सोने के लिए क्या, नहीं सर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखने के लिए, इंसिडेंटल टू यूज, इट इज रिलेटेड टू यूज फॉर एग्रीकल्चर, लीजिंग ऑफ वैकेंट लैंड विद ग्रीन हाउस और स्टोरेज शेड विच इज इंसिडेंटल यूज फ्रॉम एग्रीकल्चर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, सिंपल सी बात। चार हो गए, पांचवा, ये पांचवा थोड़ा बड़ा है, बाकी तो सब एकदम छोटे छोटे हैं, सिक्स सेवेंथ एट्थ, एट्थ आपको पढ़ा भी दिया, फ्यूमिगेशन, ठीक है। वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, देखिए फिर यहां ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जीटीए में आता है, वो अलग से दिया हुआ है, हम अलग से आज ही पढ़ेंगे, शायद इसी लेक्चर में स्टार्ट हो जाएगा हमारा जीटीए। लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और इसके लिए कुछ नोट कीजिए, जरा ध्यान देना, टी प्रोसेस टी एंड कॉफी क्या वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, नहीं, जो अभी आपको मैंने टी के बारे में बताया वही लिखा हुआ है, सच एज ब्लैक टी ग्रीन टी, वेयर टी इज प्रोसेस्ड प्रोडक्ट मेड इन ट्री फैक्ट्रीज आफ्टर कैरिंग आउट सेवरल प्रोसेस सच एज ड्राइंग रोलिंग शेपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज प्रोड्यूस आउटपुट एंड इज प्रोड्यूस आउटपुट आउटपुट ऑफ सेम। ग्रीन टी लीव्स नॉट द टी इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, देखिए ग्रीन टी लीव्स जो है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, नॉट टी, टी यानी वो दाने जो अपने पास आते हैं, एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, अवेलेबल फॉर लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज, ये सब 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 है, लेकिन सेम इज कॉफी ऑप्टेंड आफ्टर प्रोसेसिंग कॉफी बीन्स, यानी कॉफी बीन्स अगर आप उसकी लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग ये सब करते हो वेयरहाउसिंग तो एग्जेम्प्ट है, और कॉफी बनने के बाद पैक होने के बाद फ्लेवर डालने के बाद जो भी कोई कारण ये सब करते हो तो टैक्सेबल, सीधी सीधी बात। जैगरी, जैगरी मतलब क्या होता है, गुड़, ठीक है, गुड़ कैसे बनता है, गन्ने से, शुगर केन से, शुगर केन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लेकिन शुगर केन से जब गुड़ बना फैक्ट्री के अंदर नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयरहाउसिंग ऑफ शुगर केन इज एग्जेम्प्ट, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ गुड़ जैगरी is not exempt because जैगरी is not agriculture produce। हमने यहां साफ साफ ऊपर लिखा है एक ही लाइन में कि भैया ये सब किसका होना चाहिए, सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मैंने यहां आपको डेफिनेशन भी बताई, ये है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन, आई बात समझ में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स कैसे, अब पल्सेस देखिए, ग्राम रहता है, ग्राम जी आर ए एम, ग्राम, ग्राम से चना बनता है,
बराबर है, चना या दाल जो होल ग्राम, राजमा, पल जो होल पूरा रहता है, दाल जो तुअर दाल देखी होगी आप, तो ब्रेक होती है ऐसा गोल चने टाइप रहती है, वो मील में जाके ब्रेक होती है. तो दाल मील के अंदर अगर कुछ होता है तो दैट इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसकी वेयर हाउसिंग स्टोरेज वगैरह का कुछ नहीं मिलेगा. लेकिन जब तक वो ग्राम है, वो ग्राम या नहीं मतलब वो पूरी पूरी दाल है, अनप्रोसेस्ड है, फार्म से आई है, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहा जाएगा, ये बात ध्यान रखना. वैसा ही इसमें लिखा हुआ है. और ये सब वही जो आपको बताया वही सब यहाँ लिखा हुआ, इसके ऊपर एक सर्कुलर पूरा आया हुआ था, बाकी कुछ नहीं, इसको आप पढ़ सकते बेटा खुद ही. इसके बाद आता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, फार्मर को खेती कैसे करना, खेती में क्या अपडेट्स हुए हैं, कौन से सीड्स अच्छे हैं, कौन से फर्टिलाइजर्स अच्छे हैं, कौन सा क्या करना, इसके बारे में जानकारी अगर फार्मर को चाहिए तो इसके लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस होती है. और ये जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस है बेटा, दिस इज अगेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. आई बात समझ में? बात पढ़ लेते हैं. एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड नॉलेज टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थ्रू फार्मर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एईएस इज टू ट्रांसमिट लेटेस्ट टेक्निकल नो हाउ टू फार्मर्स. इट इज ऑल्सो फोकसेस ऑन एनहांसिंग फार्मर्स नॉलेज अबाउट क्रॉप टेक्निक्स एंड हेल्प देम टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. दिस इज डन ट्रेनिंग कोर्सेज लाइक किसान कॉल सेंटर्स, फार्म विजिट, फार्म ट्रायल्स, किसान मील्स, किसान मेलास, किसान क्लब्स, एडवाइजरी बुलेटिन एंड द लाइक. तो ये सारी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, मतलब एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, फार्मर को अकल बांटना, इस टाइप की कोई सर्विस रहेंगी तो ऑब्वियसली जीएसटी के दायरे के बाहर है. दिस सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. मैं आप लोगों को एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन जो पढ़ा रहा हूँ वो सर्विस रिलेटेड है, गुड्स का एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नहीं पढ़ाया जा रहा है, समझ लेना ये बात, ठीक है. इसके बाद आता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, मंडी, एपीएमसी का नाम सुना होगा, कृषि उत्पन्न बाजार समिति, ये भी सर्विस देते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमेटी, जहाँ पे फार्मर्स आते हैं और बायर्स भी आते हैं, जो बायर्स रहते हैं वो आते हैं, जो सेलर्स रहते हैं फार्मर्स वो आते हैं, दोनों के बीच में डील होती है, अड़तिया रहते हैं, अड़तिया पर जैसे मैं फार्मर हूँ, मैं आऊंगा मार्केट में, मेरे अड़तिया जो मेरे पहचान का, जो बहुत सारे अड़तिया रिकग्नाइज अड़तिया रहते हैं, अड़तिया यानी ब्रोकर, वो ब्रोकर को मैं बोलूंगा भैया मेरा माल बेच के दे, और ब्रोकर अपने अपने जो उसके बायर्स है लिस्टेड जो उसके पहचान के, उनको फोन करेगा, भैया देखो अच्छा माल आया, किसी को लेना है तो ले सकते हैं, तो वो जो बायर को बोलेगा वो बायर आके परचेस करते हैं, जिसको जो पसंद आएगा बोली लगती है फिर, और वो ब्रोकर अपना कमीशन काट देता है और वो दे देता है. और ये सब सेस भरना पड़ता है एक छोटा सा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी को, 1% कुछ सेस रहता है, बराबर है. तो ये जो सेस है, अब ये सर्विस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी सर्विस किसको प्रोवाइड कर रही है, फार्मर को, उसका माल बेच के दे रही है, बराबर है. तो इस ये भी एग्जेम्प्ट है. इस पे कौन कौन सी सर्विस आती है जरा इसके अंदर भी देख लेना. तीन चीज है, सर्विस बाय एनी एपीएमसी और बोर्ड और सर्विस प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट, ये कमीशन एजेंट हो गया वो अड़तिया, फॉर सेल परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बेचने में भी मदद कराना, परचेस में भी मदद कराना. परचेस किसी को देखिए, वो अगर बिकवा रहा है वो एजेंट है, तो एक का बिकवा रहा है दूसरे का परचेस करवा रहा वो, बराबर है. एक का बिकवा रहा, फार्मर का बिकवा के दिया, बायर को परचेस करवा के दिया, तो दोनों सर्विसेज एग्जेम्प्ट है. एपीएमसी मीन्स एंड एपीएमसी का मतलब क्या, कमिटी और बोर्ड सेटअप अंडर स्टेट लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है. सच मार्केटिंग कमिटी और बोर्ड्स हैव बीन सेटअप इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सपोर्ट सर्विसेज फॉर फैसिलिटेटिंग मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज. अभी क्या फैसिलिटी देते हैं, शेड्स रहते हैं, वाटर, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेडिंग फैसिलिटीज, बहुत सारी फैसिलिटीज ये लोग देते हैं. दे ऑल्सो टेक मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिलो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी के नीचे नहीं बिकना चाहिए. मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब जो गवर्नमेंट फार्मर्स को देती है, तो इसके ऊपर ही बिकवा के देते हैं फार्मर्स को, और नहीं तो एमएसपी पे तो फार्मर कभी भी बेच सकता है. एपीएमसी कलेक्ट मार्केट फीस, एक मार्केट फीस छोटी सी ली जाती है, या लाइसेंस फीस या रेंट एक्सेट्रा. रेंट यानी अड़तिया लोगों को जगह दे दी रेंट पे, मार्केट यार्ड रहता है पूरा इनका बेटा. नागपुर में भी एपीएमसी कलम ना के अंदर है, ज्यादातर स्टेट्स में एपीएमसी रहती ही है, स्टेट्स बोल रहा, सिटीज में, बड़े विलेजेस में, जिला डिस्ट्रिक्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है.
और एक सर्विस यहां लिखी हुई है, हाउ एवर एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय सच बॉडी विच डू नॉट, आई रिपीट, विच डू नॉट डायरेक्टली रिलेट टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेट्रा, ये सब अगर इससे इसके अलावा कोई सर्विस देता है तो उस पर जीएसटी लगेगा. एग्जाम्पल है रेंटिंग ऑफ शॉप और अदर प्रॉपर्टी. अब ये उनकी जमीन पड़ी है उस पर शॉप बना के रेंट पे दे दिया किसी को भी, तो ये क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड सर्विस हुई क्या? नहीं सर, सवाल ही नहीं उठता. कहाँ है का एग्रीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, कहाँ है का रियरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेट हॉर्सेस फॉर फूड फाइबर फ्यूल रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, ऐसा कुछ है क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड क्या? ना. तो उस पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा. 8 तो आपको पढ़ा दिया. अब एंट्री नंबर 55 पे देखिए, इसका नोटिफिकेशन भी आया था 2017 में. सबसे पहले खेत से जो निकलता है कल्टीवेशन में उसको पैडी बोलते हैं, और ये पैडी बाद में राइस में कन्वर्ट होता है राइस मिल में जाने के बाद. अब एंट्री 55 कहती है कस्टम मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, क्या ये एग्जेम्प्ट है क्या? पैडी को राइस में बदलाना क्या ये एग्जेम्प्ट है क्या? नहीं, ये एग्जाम नहीं है. पैडी से रिलेटेड जितनी सर्विसेज है, पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, राइस इज नॉट द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये कहना है एंट्री 55 का, जरा ध्यान देना. और इसको मैं फिर लिंक करूंगा, राइस के बारे में अभी कुछ पढ़ाया था आपको मैंने एंट्री नंबर 24 के अंदर, याद होगा आपको तो. नहीं याद तो कोई बात नहीं, याद है तो बहुत अच्छी बात है. कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज ए जॉब वर्क इन रिलेशन टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट रियरिंग ऑफ दिस 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 इज एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसके बारे में कुछ दिया हुआ है. जॉब वर्क प्रोसेस. अब मिलिंग ऑफ पैडी इज नॉट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन. देखिए एंट्री 55 क्या बोलता है, ये है एंट्री 55, पहला आप समझ लीजिए. और इसके अंदर जो कस्टम है इसका ये क्लैरिफिकेशन है, ये तीनों भी लाइन इसके क्लैरिफिकेशन है, ठीक है. अब ये कहते हैं एंट्री नंबर 55 के अंदर कि जो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस रहता है जॉब वर्क का भी, देखिए फार्म पे तो जो प्रोसेस हुआ वो हुआ, लेकिन कुछ प्रोसेस जॉब वर्क के लिए फार्मर बाहर भी दे देता है, बाहर किसी को दे दिया भैया तू करके दे दे मुझे ये काम. अगर ऐसा भी बेटा कोई प्रोसेस दिया है, ऐसा भी अगर कोई प्रोसेस के लिए जॉब वर्कर को दिया, और अगर वो प्रोसेस रिलेटेड है किससे, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस फॉर काय के लिए, फॉर फूड फाइबर फ्यूल रॉ मटेरियल और एनी अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इससे रिलेटेड है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा. तो अब क्लेरिफिकेशन आया इस एंट्री से रिलेटेड कि भैया क्या मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस ये भी जॉब वर्क है, क्योंकि देखिए पैडी एज इट इज नहीं बिकता, राइस बेचना पड़ेगा, राइस इज द फाइनल प्रोड्यूस ना, तो वो भी दाल जैसा हो गया, फिर तो वही वाली बात हो गई, फिर दाल को भी एग्जेम्प्ट करो, दाल मिल को भी एग्जेम्प्ट करो. बोले ऐसा नहीं होता, मिलिंग ऑफ पैडी इज नॉट इंटरमीडिएट, उसको पैडी को मिल में ला के राइस में कन्वर्ट करना इज नॉट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, इट इज अ प्रोसेस कैरिड आउट आफ्टर प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन इज ओवर एंड पैडी हैज बीन हार्वेस्टेड. सबसे पहले चाय के जो खेत रहते, सॉरी चाय बोल रहा हूं, राइस के जो फार्म्स रहते हैं उससे पैडी निकलता है, जो निकलता है उसको पैडी कहा जाता है, और वो पैडी की मिलिंग होती है राइस मिल के अंदर, फिर आपको मिलता है राइस. आई बात समझ में? तो मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कल्टीवेशन तो फार्म पे ही हो गया जब पैडी हार्वेस्ट हो गया. पैडी हार्वेस्ट समझता है ना भैया, खेत से तोड़ लेना, पैडी तो वही बन गया था भैया वो. अब ये जो आप कर रहे हो ये राइस है, तो इसको हम राइस मिल में होता है, इट्स इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और ये प्रोसेस जीएसटी के दायरे में आएगा. चलिए ठीक है. फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज नॉट यूजुअली कैरिड आउट बाय कल्टीवेटर, कल्टीवेटर थोड़ी करते हैं, ये कौन करता है? राइस मिलर्स करते हैं. मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस आल्सो चेंजेस इज एसेंशियल कैरेक्टर्स, therefore milling of paddy into rice cannot be considered an intermediate production process. In view above it clarified that milling of paddy into rice is not eligible for exemption under entry number 55. Entry number 55 AB ek bar dekh lete hain. सर्विस बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेस, हॉर्सेस छोड़ के. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है? जो बेटा स्पर्म रहते हैं, जैसे अब गाय को बच्चा होता है, तो ये जो होता है ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से किया जाता है. वो जो मेल जो बोलते ना अपन बुल है, जैसे भैंस है, भैंस का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो बुल है उसके स्पर्म उसके अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, आर्टिफिशियल इंजेक्शन दिया जाता है, और उससे वो जो गाय है वो प्रेग्नेंट होती है और नया बच्चा आता है, ठीक है. लाइव स्टॉक यानी गाय भैंस या गोट कुछ भी, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो सर्विस रहती है इन सर्विस इज एग्जेम्प्ट, क्योंकि काय के लिए रियरिंग ऑफ एनिमल्स उससे रिलेटेड है ये. लेकिन हॉर्स छोड़ के, हॉर्स तो कवर नहीं होता, ये बात ध्यान रखना. अब इसका बेटा ये दिया हुआ है, अब इसके बाद मैं आऊंगा नई सर्विस पे जिसका नाम है एजुकेशन सर्विस, ठीक है.
इसका एक क्वेश्चन भी है, हम लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वो बेटर है। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन लगे हाथ ले लेते हैं, है ना, इसका क्वेश्चन ले लेते। चलिए पहले ये देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये उससे रिलेटेड है आपके, आप अपने बुक अगर आपके पास आ गई तो पेज नंबर 122 पे इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। कैटरीना एग्रो केयर लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फर्निशेज यू द फॉलोइंग डिटेल विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिविटीज अंडरटेकन फॉर द मंथ ऑफ मार्च। जो एक्टिविटीज ये कैटरीना लिमिटेड करती है, कैटरीना एग्रो केयर लिमिटेड, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको बताना है कौन सी, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ एग्रो केयर लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च इफ ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ये सारे अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा एग्जेम्प्ट और कौन सा जीएसटी के लिए लायबल है, बराबर है बेटा। चलिए, रिसिप्ट फ्रॉम सप्लाई ऑफ फार्म लेबर एग्जेम्प्ट है, ये आपन ने पढ़ा था, बिकॉज दिस इज अ कल्टिवेशन एग्री प्रोड्यूस, यानी ये एग्जेम्प्ट है। सी चार्जेस फॉर सीड टेस्टिंग, सीड टेस्टिंग क्या है, अगेन फार्म से रिलेटेड सर्विस है, सीड टेस्टिंग वाला, क्यों ये भी एग्जेम्प्ट है। सॉइल टेस्टिंग ऑफ फार्म लैंड, ये भी एग्जेम्प्ट है। फार्म कल्टीवेशन तक चार्जेस फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स, पोटैटो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, क्या पोटैटो चिप्स भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है क्या, ना टैक्सेबल। अगर ये वेयर हाउसिंग ऑफ पोटैटो रहता है, चिप्स नहीं रहता, तो ये एग्जेम्प्ट रहता। आई बात समझ में। कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ वीट टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, वीट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हाँ, कमीशन रिसीव ऑन सेल ऑफ आटा अगर रहता, वीट का आटा बनता तो प्रोसेस हो जाता, वो टैक्सेबल हो जाता। समझ के देखो, सोचने की आदत डाल दो, सीधी सीधी बात, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है कि नहीं, काम की बात। चार्जेस फॉर ट्रेनिंग फार्मर्स न्यू पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस है, और ये एग्जेम्प्ट है। रेंडिंग ऑफ वैकेंट लैंड टू स्टड फार्म 1,85,000, सॉरी ये 10 या ज्यादा लिख दिया, ये 1,85,000 है। रेंटिंग ऑफ वैकेंट लैंड टू स्टड फार्म, बेटा स्टड फार्म के लिए कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं है, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा, मतलब ये टैक्सेबल है। लीजिंग ऑफ वैकेंट लैंड टू कैटल फार्म, ये एग्जेम्प्ट है। चार्जेस फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ राइस एग्जेम्प्ट है, लेकिन कौन सी एंट्री में, उसमें नहीं है, 54 में नहीं, एग्जेम्प्ट अंडर 24, याद कर लो 24 नंबर की एंट्री, याद हो तो ठीक, नहीं तो मैं बता देता हूं। 24 में सिर्फ राइस के लिए एक्स्ट्रा लिखा था, मैंने आपको क्यों क्यों बोला था, क्योंकि राइस पैडी में कवर नहीं है वहां, 54 नंबर एंट्री में कवर नहीं, इसलिए एक अलग एंट्री राइस के लिए डाली गई कि वी आर लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयरहाउसिंग ऑफ राइस, अगर होता है तो वो भी एग्रीकल्चर, तो वो भी मतलब उसमें इसको एग्जेम्पशन माना जाएगा। इवन दो राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लेकिन उसके लिए एक सेपरेट एंट्री गवर्नमेंट ने डाली है, सेपरेट एंट्री डाली है मतलब वो एग्जेम्प्ट है, सीधी सीधी बात। लेकिन एंट्री 54 में एग्जेम्प्ट नहीं हुआ, वो हुआ एंट्री नंबर 24 में एग्जेम्प्ट। आई बात समझ में, एंट्री नंबर याद रहा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। चार्जेस फॉर वेयरहाउसिंग ऑफ कॉटन फैब्रिक्स टैक्सेबल, अगर यार कॉटन रहता तो एग्जेम्प्ट रहता, कॉटन फैब्रिक मतलब प्रोसेसिंग हो चुकी है। रिटेल पैकिंग एंड लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्या करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रिटेल पैकिंग एंड लेबलिंग, सीधी बात है, पैकिंग एंड लेबलिंग से असेंशियल कैरेक्टर थोड़ी उसके ऑल्टर हो रहे भैया, सोच के देखो ना, पैकिंग लेबलिंग से वो तो एग्जेम्प्ट है। एंट्री 57 आपको अगर मैं दिखाऊं यहां पे, तो एक सेकेंड, ये यहां पे एंट्री नंबर 57 में एक्चुअली यहां कवर नहीं होता है, ये होता है, एक सेकेंड रुकिए, ये वैसे पढ़ने का है हमारा अभी। ये देखिए ये एंट्री, चलिए ये भी लगे हाथ पढ़ लेते फिर। सर्विस बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रिपनिंग, वैक्सिंग, वैक्सिंग यानी एप्पल वगैरह को वैक्सिंग होती है, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसको करना पड़ता है साफ सफाई, प्री कंडीशनिंग, कूलिंग में डालना पड़ता है, राइप करना पड़ता है, मतलब काटना वगैरह पड़ता है, क्योंकि उसके बिना ये बिकते नहीं है, ठीक है। विच डू नॉट चेंज, इससे एप्पल की एप्पल को वैक्सिंग हो जाएगी तो एप्पल की एप्पल ही रहेंगी, लेकिन मेकिंग इट मार्केट फिट फॉर मार्केटेबल, ठीक है। विच डू नॉट ऑल्टर द असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो वो एग्जेम्प्ट है, मतलब एंट्री 55 में आता है ये।
ये भी एग्जेम्प्ट है। चलिए एक और कवर हो गई एंट्री हमारी, चार्जेस फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी एग्जेम्प्ट है। ये आपको बताया था माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हमने देखा था। चार्जेस फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ स्पाइसेस, बोलो बेटा स्पाइसेस भी क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ये भी एग्जेम्प्ट है। अब ये पूरा सॉल्व करके यहां पे वैसे दिया है, आप देख सकते हैं यार टैक्सेबल क्या क्या हुआ, 85,000, उसके बाद टैक्सेबल हुआ 1,85,000, उसके बाद टैक्सेबल हुआ ये 2,00,000, तो ये सबके टोटल मार देंगे 4,70,000। और देखिए यार रीजन वीजन वर्किंग नोट इस टाइप से आप एग्जाम में बना सकते हैं। अब एक चीज और, मेरा सवाल ध्यान से सुनना, टोमेटो टमाटर, टमाटर की वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट। टमाटो केचप टैक्सेबल, टमाटो से टमाटो केचप वो प्रोसेस प्रोडक्ट हो गया, वो चीज ही अलग है, पूरा टोमेटो का एसेंशियल कैरेक्टर ऑल्टर हो चुका है। टोमेटो केचप फार्म में नहीं बनता, जैसे पोटेटो से पोटेटो चिप्स फार्म में नहीं बनते, टोमेटो से टोमेटो केचप फार्म में नहीं बनता, शुगर केन से जैगरी फार्म में नहीं बनती, जैगरी या शुगर शक्कर भी, वो भी सब टैक्सेबल रहेगा, शुगर मिल अलग रहती है। आई होप आपको क्लियर हुआ। चलिए ये सर्विस हो गई हमारी, एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन तो स्कूल से एजुकेशन से, चलिए पहले एजुकेशन सर्विस को पढ़ लेते हैं। अब आते हैं एजुकेशन सर्विस पे, एंट्री नंबर 66, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एजुकेशन पे अब देखा जाए ना तो पिछले बार क्वेश्चन आ चुका है, तो अब आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एंट्री नंबर 66 से बेटा, एजुकेशन सर्विस के लिए। एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी ग्रांटेड बाय एंट्री 66 स्टेटेड अबव कैन बी डिस्कस्ड अंडर टू ब्रॉड कैटेगरीज। अब ये दो कैटेगरी में डिस्कस हम कर रहे हैं, एक है आउटपुट सर्विस, एक इनपुट सर्विस। आउट एजुकेशन रिलेटेड आउटपुट सर्विस जो एजुकेशन इश्यूज देते हैं, एजुकेशन रिलेटेड इनपुट सर्विस जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट लेते हैं, बराबर है। यहां पे आएगा जो वो लोग देते हैं, और यहां पे आएगा जो वो लोग लेते हैं, ठीक है। अब पहले अपन बढ़ते हैं देते, देते यानी कौन, मान लीजिए मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, मैं कौन सी सर्विस देता हूं वो उसको आउटपुट सर्विस हो गया, और मैं कौन सी सर्विस लेता हूं वो हो गया इनपुट सर्विस। तो मैं पहले किसकी बात कर रहा हूं बेटा, आई एम टेलिंग ऑफ आउटपुट सर्विस की, ठीक है। आउटपुट सर्विस कौन कौन सी, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स, बड़े काम की लाइन है, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ। एनी सर्विस, एनी वर्ड भी लिख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ, स्टूडेंट फैकल्टी या स्टाफ को किसी भी, आयरमॉन कम ऑन, किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड की, वो सर्विस एग्जेम्प्ट है। किसने, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने, किसको, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, ध्यान रखना है चीज। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ, एक और चीज इसमें ऐड हुई, ये बाद में ऐड हुई थी, देखना बता दो, इसके पीछे की कहानी भी आपको बता देता हूं, रीजन क्या है ये ऐड करने का। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एग्जाम कंडक्ट करते हर साल, भैया एडमिशन लेना किसको लेना किसको नहीं, तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होती है और उसकी एक एंट्रेंस फी चार्ज की जाती है, वो एंट्री फी भी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी है। अब सर ये क्यों लाया, जीएसटी आया था जब आईआईटी, जो आईआईटी है, आईआईटी की ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होती है, आप लोगों ने सुना होगा आईआईटी जेई। आईआईटी ने क्या किया, वो एग्जाम कंडक्ट किया और उससे एंट्रेंस फीस एज यूजुअल ली, और फिर एडमिशन हो गए जो पास हुए उनके, लेकिन फीस तो सबसे ही लिए जाते हैं ना, जो लोग एग्जाम देंगे उनसे फीस का अलग की जाती है। जैसे ही जीएसटी डिपार्टमेंट को पता चला, जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस भेज दिया कि भैया ये जो एंट्रेंस फीस आपने ली है इस पे जीएसटी भरो। उन्होंने बोला अरे भैया एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर कोई सर्विस स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को देता है तो वो एग्जेम्प्ट है अंडर एंट्री 66। तब ये एंट्री नहीं थी। आईआईटी ने रिप्लाई, सॉरी जीएसटी डिपार्टमेंट ने रिप्लाई किया, भैया वहां लिखा है एजुकेशन प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू हुम, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, जो लोग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे, क्या वो आपके फैकल्टी है, नहीं, क्या वो आपका स्टाफ है, नहीं, क्या आपके स्टूडेंट है, नहीं सर, वो लोग स्टूडेंट्स हैं लेकिन आपके स्टूडेंट है क्या, टू
टू इट स्टूडेंट, आपके स्टूडेंट है क्या? नहीं, वो आपके स्टूडेंट अभी बने नहीं है, वो आपके स्टूडेंट बनने वाले, अगर वो आपके एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो. अभी स्टूडेंट थोड़ी है आपके वो, और आप उनको तब सर्विस दे रहे हो जब वो आपके स्टूडेंट नहीं है. जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना एकदम सही है. कोर्ट में भी केस गया, कोर्ट ने बोला हो जीएसटी डिपार्टमेंट इज राइट. 70 करोड़ का जीएसटी निकल रहा था, 70 करोड़. अब आईआईटी, अगेन आईआईटी है तो गवर्नमेंट का ही सीख है, गवर्नमेंट को जाके बोला अरे भैया एक काम करो ना, एक एंट्री और डाल दो ना, एक तो डालिए और एक डाल दो. फिर ये एंट्री रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाई गई, क्या? सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस, इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. बच गए पैसे, ठीक है. इसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मीन्स, अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या, अच्छी डेफिनेशन है. एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन कौन होता है जरा ध्यान देना. एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब एक तो सबसे पहले आपका हो गया प्री स्कूल एजुकेशन, यानी फर्स्ट से पहले केजी, नर्सरी केजी वन केजी टू, एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल. हायर सेकेंडरी स्कूल मतलब कहां तक होता बेटा? 12th तक. 12th तक, ठीक है. सेकेंडरी स्कूल 10th, हायर सेकेंडरी 12th तक, यानी नर्सरी से लेके 12th तक इस पॉइंट पे कवर होता है. इसको भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहा जाता है. एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, एमबीबीएस, बीडीएस, इंजीनियरिंग, बीकॉम, एमकॉम, क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ. एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशनल कोर्स, इसे कहते हैं अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स. इसके बारे में थोड़ा आगे डिटेल में आएगा. अब ये सब क्लॉज टू को मैं अपन डिटेल में एनालिसिस भी करने वाले, जरा ध्यान देना. इट इज टू बी नोटेड दैट ओनली दोज इंस्टीट्यूशन हुज ऑपरेशन कन्फाइंड टू स्पेसिफाइज इन डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वुड बी ट्रीटेड एज वन एंटाइटल टू अवेल एग्जेम्पशन. एग्जेम्पशन उसी को देंगे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में बैठते हैं, बाकी लोगों को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. तो सबसे पहले एग्जेम्पशन पाने के लिए आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है, और अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में फिट बैठता है तो ही अगर वो सर्विस देता है टू किसको, एनी सर्विस टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ या एनी सर्विस टू बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम अगेंस्ट विच कंसिडरेशन इज चार्ज्ड. बराबर है, आई बात समझ में? सबसे पहले तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है ना, तो वही बात है. सब क्लॉज टू, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? द टर्म सबसे पहले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन ये रही. एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? प्री स्कूल एजुकेशन 12th से, नर्सरी से 12th तक. सेकेंड सब क्लॉज और थर्ड सब क्लॉज दोनों को हम एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है. सेकेंड क्लब क्लॉज में क्या लिखा है? एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, जैसे एमबीबीएस हो गया, मेडिकल कॉलेज की बात कर लो, ठीक है. अब इसके बारे में लिखा हुआ बेटा सब क्लॉज टू के बारे में. डेफिनेशन, द टर्म एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ और टाइमिंग इन फोर्स, इसका मतलब क्या होता है? एजुकेशन डिलीवर इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय लॉ. एमबीबीएस, एमबीबीएस एक क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय लॉ है. इस एमबीबीएस के लिए कोई एजुकेशन दे रहा है, डिलीवर वो करिकुलम है, वो एजुकेशन दे रहा है. कौन दे रहा है सर? मेडिकल कॉलेज दे रहा है. वो मेडिकल कॉलेज भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है. Thus, in order to cover under entry 66, the education service should be delivered as a part of curriculum. इसके कुछ रीजन है, मतलब कुछ चीजें है, एग्जाम्पल्स है, इसको आप एग्जाम्पल्स बोल सकते हो, इलुस्ट्रेशन. कंडक्ट ऑफ डिग्री कोर्सेज बाय कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ये टू में कवर होते हैं. यस, these courses led to qualification recognized by law. Training given by private coaching institution, CAPS आपको training दे रहा है, क्या वो कोई recognized by law? हाँ सर, CA recognized, लेकिन CA क्या कोई, sorry, हम आपको private coaching दे रहे हैं, हम कोई degree colleges थोड़ी चला रहे हैं. Such training do not lead to grant of recognized qualification. CAPS की exam में अगर आप pass हो जाओगे तो क्या आपको CA institute degree दे देंगे क्या? Simple सी बात है. सीए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ, लेकिन कॉमन सेंस है, कैप्स की एग्जाम सीए की एग्जाम है क्या? नहीं, सीए इंस्टीट्यूट लेता है. मैं एग्जाम लेता हूं, कैप्स एग्जाम लेती है आपसे, और कैप्स आपको डिग्री दे सकती है क्या? कैप्स की एग्जाम पास हो गए तो सीए बन जाओगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता. एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ प्रिस्क्राइब करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ इफ अ फॉरेन कंट्री, नहीं, रिकॉग्नाइज बाय लॉ
फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया. ऑब्वियसली इंडिया के लॉ की बात करते हैं, फॉरेन में लॉ तो नहीं है. अब ये फॉरेन वाला लिखा, ओनली कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ कवर्ड. फॉरेन के आपने सुना होगा CFA, CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इस टाइप के कोर्सेज रहते हैं, फॉरेन लॉ में रिकॉग्नाइज रहते हैं. वो सर्विसेस यहाँ पे नहीं, मतलब जीएसटी में टैक्सेबल रहेगी. इसके बाद बेटा सब क्लॉज 3 पे भी आ जाते हैं. एन अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स मींस, वोकेशनल एजुकेशन कोर्स देखिए, कोर्सेज रन बाय आईटीआई या आईटीसी. आईटीआई मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और आईटीसी मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर. ठीक है, एफिलिएटेड टू नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ऑफरिंग कोर्सेज इन डेजिग्नेटेड ट्रेड नोटिफाइड अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961. टेक्निकल लैंग्वेज है, बस ध्यान रख लीजिए कि भैया उससे एफिलेटेड होना चाहिए. या फिर अ मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स डेवलप बाय NCVT रन बाय अ पर्सन रजिस्टर्ड विद DGT डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग मिनिस्ट्री एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. मतलब कनेक्टेड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. ठीक है, इन व्यू ऑफ डाउटेशन सम इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एजुकेशनल सर्विसेज आर एग्जामिन्ड, बोलो इसके हिसाब से कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं. ये दोनों के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, अब इसमें प्राइवेट आईटीआई भी आएंगे, गवर्नमेंट आईटीआई, देखिए दोनों होते हैं. प्राइवेट आईटीआई क्वालिफाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इफ द एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय दीज आईटीआई अप्रूव्ड बाय वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेस, अप्रूव्ड होना चाहिए. इट इंप्लाइज दैट सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट आईटीआई ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ डेजिग्नेटेड ट्रेड्स नोटिफाइड अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 है, ये 7 हटा दीजिए. आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी अंडर एंट्री 66. ठीक है, और अदर डेजिग्नेट रहे तो देयर लायबल टू जीएसटी. अब इतना डिटेल में कभी क्वेश्चन नहीं आता, इतना टेंशन मत लेना. ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आईटीआई टू इंडिविजुअल ट्रेनिंग स्टूडेंट आर एग्जाम्ड अंडर एंट्री 6 एंड दीज आर नेचर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल. गवर्नमेंट कभी भी सर्विस देती है वो एग्जाम्ड रहता है एंट्री 6. ये आगे डिस्कस हम करेंगे, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट के अंदर वो एग्जाम्ड रहता है. ठीक है, अब इससे रिलेटेड जरा ये देख लीजिए. As regards to service provided to private ITI, only service relating to admission to or conduct of examination by private ITI in respect of designated trade are exempt. All other service provided to such institution are liable to GST. It is important to note that Central and State Educational Board, Maharashtra State Board, आपका CBSE Board, shall be treated as educational institution for the limited purpose of providing service by way of conduct of examination to students. ये लोग जो भी service student को देते हैं examination conduct करने की, बस उतने के लिए ही education institution माने जाएंगे, बाकी के लिए बाकी services के लिए educational institution नहीं माने जाएंगे, मतलब GST लगेगा. अब ये जो प्राइवेट आईटीआई की बात की, जो प्राइवेट आईटीआई की जो सर्विस एग्जेम्प्ट है, जो आउटपुट सर्विस उनकी एग्जेम्प्ट है, उससे रिलेटेड जो भी वो इनपुट सर्विसेज लेते हैं वो एग्जेम्प्ट रहेंगी. मतलब सर्विस प्रोवाइडेड बाय आईटीआई जो एग्जेम्प्ट है, उससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडेड टू आईटीआई को कोई अगर सर्विस प्रोवाइड करता है, प्राइवेट आईटीआई की बात करो तो वो एग्जेम्प्ट रहेंगी. आई बात समझ में? ये लिखा है यहां पे एज रिगार्ड्स में. Unrecognized educational institution जैसे private coaching centers और other unrecognized institution, self-style, इसके बाद exemption मिलेगा क्या? नहीं, cannot avail exemption. ठीक है, education institution up to higher secondary school, इसका मतलब क्या होता है बेटा? उसके बारे में भी दिया हुआ. अब जरा ध्यान देना, by virtue of entry 66, educational institution up to higher secondary school level does not suffer GST on output service and also on most of the important input services. इन पे GST नहीं लगता. However, some of the input service like canteen, repairs and maintenance provided by private players to educational institution are subject to GST.
आउटपुट सर्विस ऑफ लॉजिंग बोर्डिंग इन हॉस्टल्स प्रोवाइडेड बाय सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच आर प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट और एजुकेशन लीडिंग टू क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ आर फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. लॉजिंग बोर्डिंग की सर्विस दी इन इंस्टीट्यूशन ने तो भी एग्जेम्प्ट है. अब बोर्डिंग स्कूल की बात करते हैं. बोर्डिंग स्कूल के लिए कुछ आया था, जरा ध्यान देना. प्रोवाइड सर्विस ऑफ एजुकेशन वो तो दे ही रहे हैं, कपल्ड विद अदर सर्विस लाइक प्रोवाइडिंग ड्वेलिंग यूनिट्स रहने की जगह रेसिडेंस एंड फूड. दिस मे बी केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई. कंपोजिट मतलब नेचुरल, याद करो सेक्शन है, नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रही है, जो बंडलिंग हो रही है नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रही है. बोर्डिंग स्कूल है तो बच्चा वहां जाएगा तो खाएंगा पिएगा रहेगा तो वहीं रहेगा ना. तो बोर्डिंग स्कूल की जो ये कंपोजिशन है ये कंपोजिट सप्लाई के अंदर आता है बेटा, और ये नेचुरल नेचुरली बंडल्ड है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, मतलब अलग से नहीं किया जा रहा. और इसके चार्जेस जो लिए जाते हैं आर इनसेपरेबल, एक फिक्स फीस ली जाती है, अब चार्जेस में सब इंक्लूड रहता है, खाना पीना रहना एजुकेशन सब कुछ है. तो टैक्सेबिलिटी के हिसाब से सेक्शन 8 में ये डिसाइड होगा. सेक्शन 8 में कौन सा है बेटा, कंपोजिट सप्लाई, बराबर है. कंपोजिट सप्लाई मतलब नेचुरली बंडल, सच सर्विस आर नेचुरली बंडल एंड सप्लाइड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. बोर्डिंग स्कूल के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये सप्लाई किया जा रहा है, बराबर है ना. Therefore, the bundle of service will be treated as consisting entirely of principal supply, which means service which form predominant element. अब ये बंडल में सबसे predominant element कौन सा है, एजुकेशन देना. एजुकेशन से रिलेटेड है फिर लॉजिंग बोर्डिंग और फूड. आई बात समझ रहे, मेन क्या है, एजुकेशन. कंपोजिट में हम वैसा ही देखते ना, मेन मेन कौन सा है, बराबर. प्रिंसिपल कौन सी, प्रिंसिपल सप्लाई यहां पर क्या हो गई, एजुकेशन है कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग और फूड है, सर एजुकेशन है, सीधी सी बात है. इन दिस केस सिंस द प्रीडोमिनेंट नेचर इज डिटरमाइंड बाय द सर्विस ऑफ एजुकेशन एंड अदर सर्विस प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल ड्वेलिंग विल नॉट बी कंसिडर फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स लाइबिलिटी. इन दिस केस द एंटायर कंसिडरेशन को माना जाएगा कि एजुकेशन का है और वो पूरा के पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा अंडर जीएसटी. आई बात समझ में. उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, इनकी बात भी थोड़ा सा कर लेते हैं, बड़ा आसान है बेटा ये क्वेश्चन. आई इज दैट इन केस वेयर द कोर्स इन अ कॉलेज लीड्स टू ड्यूअल क्वालिफिकेशन ओनली वन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ वुड सर्विस प्रोवाइड बाय कॉलेज बाय वे ऑफ सच बी कवर्ड अंडर एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन. इसका मतलब पता है क्या होता है, एक फीस में दो एजुकेशन, मतलब एक फीस भर रहा है दो कोर्स हो रहा है, एक रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है एक रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ नहीं है और फीस इनसेपरेबल है, तो कैसा करेंगे. एग्जांपल देखो, प्रोविजन ऑफ ड्यूअल क्वालिफिकेशन, कई बार डबल क्वालिफिकेशन रहता है इन द नेचर ऑफ टू आएगा, या आप ये पता है ये भी सेक्शन 8 में ही जाएगा. आपको याद है आपने कंपोजिट सप्लाई तो पढ़ा ही था, इसके साथ एक और चीज पढ़ी थी मिक्स सप्लाई, और मिक्स सप्लाई का ये रूल था मतलब नेचुरली बंडल नहीं है, आपने बंडल किया है तो हाईएस्ट रेट अट्रैक्ट होता था, याद होगा आपको. बस वही चीज यहां अप्लाई होने वाली है. एंड फीस ऑफ सच करिकुलेशन आर प्रिस्क्राइब्ड सेपरेटली, सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्वालिफिकेशन वुड देयरफॉर बी असेस्ड सेपरेटली. अगर फीस सेपरेटली प्रिस्क्राइब्ड है तो अप्रूव्ड कोर्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ तो एग्जेम्प्ट, और जो क्वालिफिकेशन दूसरा है नॉट रिकॉग्नाइज बाय लॉ तो टैक्सेबल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर फीस सिंगल फीस चार्ज कर दी जाती है और उसको सेपरेट नहीं किया जाता तो भैया पूरे पे जीएसटी लगेगा, और वो भी जो दोनों में से जो हाइएस्ट होगा. It is an if an artificial bundle of services created by clubbing two courses together when only single fees is charged for both, only one of which lead to qualification recognized by law. दो में से एक ही qualification recognized by law है. Then by application of rule of determination of taxability of supply, which is not bundle in ordinary course of business, इसको mixed supply भी कहा जाता है. Mixed supply के provision attract हो जाएंगे और taxability determine होंगी, which attracts the highest rate of GST. एक exempt यानी zero rate, एक मतलब कुछ भी nil rate, और एक पे समझ लो 18% है. तो इस केस में क्या हो जाएगा, highest rate taxability attract हो जाएंगी, यानी पूरे पे 18% लग जाएगा, ठीक है. However, incidental auxiliary courses provided by hobby class, extracurricular activities, further as overall well-being will be an example of naturally bundled. अब इसको naturally bundled में डालेंगे. कई बार activity natural extracurricular activities की classes उसके अंदर हो ही जाता है. extra जैसे schools भी extracurricular activities provide कराते हैं ना बेटा, तो वो main education ये naturally bundled है, ये extracurricular activities अलग से नहीं,
ये नेचुरली बंडल है, स्कूल का काम है वो चीज करवाना, बराबर है। नहीं तो माँ बाप स्कूल में नहीं डालेंगे जहां एक्टिविटी नहीं होती है, बराबर है। अरे ठीक है ना। तो अब इसमें रेलेवेंट कंडीशन क्या हो गई है वो देखना है। वन रेलेवेंट कंडीशन सिचुएशन इन सच केस विल बी अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा बिलिंग बीइंग डन फॉर अनरिकग्नाइज कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू रिकग्नाइज कोर्स। इफ एक्स्ट्रा बिलिंग इज बीइंग डन इट मे बी केस ऑफ आर्टिफिशियल बंडलिंग ऑफ टू डिफरेंट सप्लाई नॉट सप्लाइड टूगेदर इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, देयरफॉर विल बी ट्रीटेड एज मिक्स सप्लाई अट्रैक्टिंग हाइएस्ट रेट फॉर एंटायर कंसिडरेशन। अब इसके अंदर देखो समझ लेता, मान लीजिए स्कूल की फीस जो है ये पर मंथ मान लीजिए 10,000 है। अब इसमें वो बाइफरगेट कर रहे हैं और इसमें से 3,000 रुपये वो एक्टिविटीज के नाम पे ले रहे हैं और स्कूल का जो ट्यूशन फीस नाम पे वो 7,000 ही ले रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा, ये नेचुरली बंडल नहीं है, ये आर्टिफिशियल बंडल्ड है। और आर्टिफिशियल बंडल के केस के अंदर आपको मैं बता दूं 3,000 रुपये नहीं, पूरे 10,000 रुपये के ऊपर हाईएस्ट रेट जीएसटी अट्रैक्ट हो जाए। हाईएस्ट है ना, इस पे जो भी रेट होगा या इस पे जो भी रेट होगा, इस पे तो नील है, इस पे मान लो 18% है तो 18% जीएसटी लग जाएगा। और अगर ये 10,000 में कुछ भी नहीं ले रहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे, पूरा 10,000 ट्यूशन फीस है लेकिन बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करा रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल बंडल नहीं है, ये नेचुरल बंडल्ड है। कोई एक्स्ट्रा बिलिंग नहीं हो रही है तो ये नेचुरल बंडल के केस में इट विल बी एक्सेम्प्ट। आई होप आपको अब समझ आया होगा। अब देखिए इसके बाद आते हैं आईआईएम के ऊपर, ठीक है। आईआईएम के अंदर भी वैसा ही होता है, कई बार डिग्री कोर्सेज भी ऑफर करता है आईआईएम, छोटे मोटे कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। आईआईएम प्रोवाइड वेरियस लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम वन ईयर मोर फॉर विच दे अवार्ड डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट ड्यूली रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एज पर पावर वेस्टेड इन आईआईएम एक्ट 2017। देयरफॉर इट इज क्लैरिफाइड दैट सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टू देयर स्टूडेंट इन ऑल सच लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी। आई एम ऑल्सो प्रोवाइड शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स जिसको बोलते लेस देन वन ईयर वाले, ठीक है। उसमें क्या करेंगे भैया फिर, उसके अंदर फॉर विच दे अवार्ड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। अब आपको हम डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, चीज समझ लेना। एक साल से ज्यादा कोर्स में जो एमबीए होता है उसमें डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट दी जाती है, आपको डिग्री दी जाती है, यू आर ड्यूली ड्यूली सर्टिफाइड ड्यूली रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। और सेकंड केस में जो मैं सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूं, इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन 4-6 महीने का कोर्स जो रहता है, साल से कम का 6 महीने का 2 महीने का, इसमें आपको सिर्फ पार्टिसिपेशन, आपने पार्टिसिपेट किया ये कोर्स में सर्टिफिकेट दी, बराबर है। यू हैव नॉट क्वालिफाइड, यू आर ओनली पार्टिसिपेटेड इन द कोर्स, उसकी सर्टिफिकेट आपको आईआईएम दे रहा है, इसकी कीमत है नो डाउट, लेकिन ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, इट इज नॉट ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड इन एनी लॉ। दीज पार्टिसिपेट आर नॉट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ। तो भैया इस टाइप के पार्टिसिपेशन नॉट एग्जाम फ्रॉम जीएसटी और इस शॉर्ट ड्यूरेशन पे बराबर 18% जीएसटी लगेगा, नोटिफिकेशन आया था। आई बात समझ में। सप्लाई ऑफ फूड इन मेस और कैंटीन, मेस कैंटीन जो चलाते हैं उसमें फूड सप्लाई करते हैं तो उसका क्या, इफ द कैटरिंग सर्विस इज वन ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को कुछ भी दे भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो एग्जेम्प्ट है, ये बात गार्ड बांध लो, मेरी थंब रूल बना लो, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने कुछ भी दिया वो एग्जेम्प्ट है। डेफिनेशन तो ये तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन इफ कैटरिंग सर्विस सप्लाई ऑफ फूड ड्रिंक मैस कैंटीन इज प्रोवाइडेड बाय एनीवन अदर देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कई बार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी और को अपॉइंट करती है, भैया हम नहीं देंगे सर्विस, आउटसोर्स कर दिया, तो वो फिर देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अगर स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को कुछ दिया तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर उसने नहीं दिया किसी और ने दिया तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। दैट इज इंस्टीट्यूशन आउटसोर्सेस द कैटरिंग एक्टिविटी, आउटसोर्स कर दिया भैया कोई और करेगा, तो ऐसे केस में टू एन आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर देन इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस टू कंसर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय द आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर एंड अट्रैक्ट जीएसटी। हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट सेट सर्विस व्हेन प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एग्जामिनेशन और एजुकेशन टू हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट इज एग्जेम फ्रॉम टैक्स। इसके बारे में एक 10 मिनट बाद और पता चलेगा, थोड़ी देर के लिए नोट को भूल जाओ, थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। एग्जेम्प्ट है मुझे मालूम है, लेकिन किसको, सेकेंडरी स्कूल, इसके अंदर थोड़ा सा बायफर्केट। अब ये जो सर्विस है ना बेटा, ये आउटपुट सर्विस नहीं है, ये इनपुट सर्विस है। कैसे सर,
इनपुट सर्विस किसने लिया, आउटसोर्स किया किसने, मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मैंने क्या किया, ये मैं सर्विस आउटसोर्स कर दिया। अब वो जो बंदा है जिसको मैंने आउटसोर्स किया वो मुझे सर्विस दे रहा है, बराबर है, और वही सर्विस इंस्टीट्यूट, तो दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए यहां पे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो फैकल्टी स्टाफ को दे ही रहा है, पैसे कलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन मैंने ये काम, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने काम क्या किया, आउटसोर्स किया था, तो आउटसोर्स जिसको किया वो मुझे सर्विस दे रहा है, तो ये केस बन गया इनपुट सर्विस का, दोनों अलग अलग देखना पड़ेगा यहाँ पे, दो कॉन्ट्रैक्ट आ गए, ठीक है। चलिए इसके बारे में आगे आने वाला है, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। इसके बाद फीस चार्ज फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स, अब IIT IIM इसके अंदर लोग आते हैं फैकल्टी रिक्रूट करने के लिए, जैसे स्टूडेंट जो पास हो गए, मान लीजिए MBA क्लियर हो गया, तो जो कैंपस इंटरव्यू कहा जाता है ना, वैसी चीज, वैसे टाइप की सर्विस, उसके लिए जो एम्प्लॉयर्स आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, तो उनसे चार्जेस लिए जाते, फीस ली जाती, कौन फीस लेता है, IIT IIM एक्सेट्रा, इसका क्या, टैक्सेबल ऑब्वियसली, लिखा है यहाँ पे थ्रू आर ऑल्सो लायबल टू टैक्स, ठीक है। ये हो गया बेटा सारी आउटपुट सर्विस, अब आएंगे हम इनपुट सर्विसेज के ऊपर, जो बड़े 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 काम की चीज है, इनपुट सर्विस बड़े काम की चीज है, और ये जितना यहां बड़बड़ किया है ना, ये देखिए पांचों, ये करने के बाद, पढ़ने के बाद सिर्फ ये पढ़ लेना, इन शॉर्ट ये टेबल, इन शॉर्ट वाला ये टेबल, मजा आ जाएगा, पूरा मजा आ जाएगा आपको, आप बोलोगे वाह अफसर बहुत बढ़िया। अब ये टेबल अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ेंगे ना तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। पहले जरा यहां देखिए, इनपुट सर्विस, सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अभी आपको पढ़ा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सर्विस प्रोवाइडेड बाय यानी जो वो देते हैं आउटपुट सर्विस, जो वो लेते हैं इनपुट सर्विस, दोनों के रिलेटेड एग्जेम्पशन है, तो अब ये मैं बात कर रहा हूं सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ, अगेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, समझ लेना, बस कंडक्टर, सॉरी मुझे स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ के लिए बस चलानी, मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हूं, मैं सर्विस देता हूं स्टाफ को, स्टूडेंट को, और इसकी बस सर्विस, ठीक है, और मैं किसी से बस हायर करता हूं, ट्रांसपोर्टर से मैं बस हायर करता हूं, तो ये जो ट्रांसपोर्टर मुझे बस दे रहा है हायर पे, ये सर्विस एग्जेम्प्ट रहेंगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट से फैकल्टी स्टाफ से रिलेटेड होनी चाहिए, सिर्फ किससे रिलेटेड, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ। कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम अप्रूव स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, कैटरिंग साथ ही साथ मिड डे मील, यानी कैटरिंग वाला, अभी ये जो आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जो कैंटीन आपने आउटसोर्स कर दी, कैटरिंग सर्विस मेस सर्विस में ही आती है, वो सर्विस अगर आउटसोर्स किया तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने लिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने लेके किसको दिया, आपको दिया, अब यहाँ पे स्टाफ वगैरह नहीं लिखा है, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, तो भैया कैटरिंग सर्विस क्या रहेंगी, जो इनपुट सर्विस है वो एग्जेम्प्ट रहेंगी, क्योंकि इनपुट सर्विस किसको दी गई है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विस परफॉर्म्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सिक्योरिटी सर्विस, क्लीनिंग सर्विस, हाउसकीपिंग सर्विस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर होती है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना, ये सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट, क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट, हाउसकीपिंग का, ये सारी चीजें जो कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जाते हैं, और वो अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो बेटा एग्जेम्प्ट रहती है, ठीक है। सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन, सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन, ये इस टाइप की भी कोई इनपुट सर्विस अगर ली जाती है तो भी वो एग्जेम्प्ट रहेंगी। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल सप्लाई करना, पीरियोडिकल सप्लाई करना किसको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, तो वो सब एग्जेम्प्ट रहेगी। अब एक चीज समझ लो, ये जो इनपुट सर्विस है ना, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब ये सारी सर्विस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दी जा रही है। अब अगर इसका समरी देखोगे, बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दो, टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये, अब इसके अंदर थोड़ी सी काड़ी है, थोड़ी सी काड़ी, ज्यादा नहीं। सबसे पहले मैं बात करता हूं ये तीन की, अब क्या करें, डाल दिया तो डाल दिया, मैंने नहीं डाला, गवर्नमेंट ने डाला। सबसे पहले मैं बात करूंगा ये तीन की, ये जो तीन है,
तीन कौन सी इनपुट सर्विसेस है? अब एक चीज ध्यान रखना, ये इनपुट सर्विस अगर एग्जेम्प्ट, अगर आउटपुट सर्विस एग्जेम्प्ट है तो इनपुट सर्विस का क्रेडिट नहीं मिल सकता, मतलब एग्जेम सर्विस देने के लिए जो इनपुट यूज होते हैं भले ही वो इनपुट टैक्सेबल हो तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। खैर वो तो बात की बात है, जरा ध्यान देखना। दिस एग्जेम्पशन कम्स विद राइडर, राइडर ये ऑक्सिलरी सर्विस कहा जाता है वैसे इनको, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, केटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट और सिक्योरिटी क्लीनिंग। कितनी सर्विस होगी? तीन की बात की है, ठीक है। आर एग्जेम्प्ट ओनली सच ऑक्सिलरी एजुकेशन सर्विस आर प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अप टू हायर सेकेंडरी एंड इक्विवेलेंट, दैट इज प्री स्कूल टू HSC। मतलब पॉइंट नंबर वन याद कर लो, पॉइंट नंबर वन काहे का सर, पॉइंट नंबर वन ये रहा पॉइंट नंबर वन। यानी ये तीन सर्विस, कौन सी तीन? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट इनपुट सर्विस, हाँ ये ऑब्वियसली इनपुट सर्विसेज से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना, इनपुट सर्विस से रिलेटेड, मैं फिर से बता रहा हूं, ये इनपुट सर्विसेज से रिलेटेड है। आपने अभी देखा पांच इनपुट सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, तो इनपुट सर्विस मतलब सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, मैं सर्विस देने वाला हूं, आई हैव सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विस दी, तो पांच सर्विस एग्जेम्प्ट है, आपने देख लिया था, बराबर है। लेकिन पांच में से जो तीन है ना, कौन सी तीन? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, मैं ट्रांसपोर्टर हूं, मैंने आपको सर्विस दी, बस दी। कैटरिंग, मैंने आपको कैटरिंग सर्विसेज दी, मैंने आपको सिक्योरिटी क्लीनिंग हाउस में सर्विस दी, मैंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दी। तो किस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को यह इनपुट सर्विस एग्जेम्प्ट है? किस एजुकेशन को इनपुट सर्विस एग्जेम्प्ट है? पहले वाले को, पहली एंट्री में कौन था? प्री स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल वाला। अच्छा, दस इफ ऑक्सिलरी एजुकेशन सर्विस आर प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग डिग्री, हायर डिग्री कोर्सेज या वोकेशनल, तो ये एग्जाम नहीं है। मतलब ये जो तीन है ना, पहले के तीन है, तीन ये अगर इनको प्रोवाइड किए, इनको किसको? सेकेंड वाले को या थर्ड वाले को? सेकेंड और थर्ड में कौन है सर? सेकेंड थर्ड में कौन है? ये रहा, ये सेकेंड वाला है, थर्ड वाला, इनको प्रोवाइड किया ये तीन सर्विस, इनपुट सर्विस, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अब समझ में आया? चलिए अच्छी बात है, नहीं भी आया तो 10 मिनट बाद पूरा आ जाएगा। और एक कुछ तो भी लिखा है भद्रा, देखो सॉरी। सिमिलरली सर्विस सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल पीरियोडिकल आर एग्जेम्प्ट। ऑनलाइन एजुकेशनल पीरियोडिकल, अरे पढ़ा था ये रही पांचवी, ये पांचवी के बारे में, ये भी एग्जेम्प्ट। किसको है? दीज आर एग्जेम्प्ट, कहा गया ओनली इफ दे आर प्रोवाइड टू इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे ऑफ एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। कौन सा पॉइंट है ये? क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, सेकेंड पॉइंट। मतलब क्या हुआ? ये सर्विस सिर्फ सेकेंड वाले के लिए ही, सॉरी यहां नहीं, ये सर्विस सिर्फ सेकेंड वाले के लिए ही एग्जेम्प्ट है। कौन सी सर्विस? ये वाले। तो अगर इसका एक टेबल बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये तीनों इंस्टीट्यूट, ये पहला इंस्टीट्यूट, ये आपका दूसरा इंस्टीट्यूट और ये आपका तीसरा इंस्टीट्यूट। समझ में आया? ऑनलाइन, अब देखना ये पांचों सर्विस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन जर्नल वाली सर्विस जो हमारी पांचवी सर्विस थी, मैं यहां लिख देता हूं, जो हमारी पांचवी सर्विस थी, एक दो तीन चार पांच देखा था अपन ने, तो ये जो पांचवी सर्विस थी ये सिर्फ इसी को एग्जेम्प्ट है। और उसमें तीन और देखा था, ट्रांसपोर्टेशन वाली, कैटरिंग वाली, सिक्योरिटी वाली, ये किसको एग्जेम्प्ट है? सिर्फ प्री स्कूल वाले को एग्जेम्प्ट है, ये कंडीशन देखी थी। तो फिर ये जो सर्विस एडमिशन कंडक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तीनों को भी एग्जेम्प्ट है, तीनों को एग्जेम्प्ट है। मतलब अगर तीसरे की बात करें तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है। आई होप समझ में आया, दूसरे के सिर्फ एक ही चीज है, क्योंकि ये जो पांच देखी थी, ये पांच में से ये दो में राइडर है, ये तीन का लॉट है और ये एक का लॉट है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ वो प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी वालों को मिलेगा,
बाकी किसी को नहीं मिलेगा, ये सबको मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों का मिलेगा। और ये जो है ये सिर्फ वो दूसरे वाले को मिलेगा, ये पहले वाले को ही मिलेगा, ये दूसरे वाले को ही मिलेगा, और ये पहले को भी मिलेगा, दूसरे को भी मिलेगा और तीसरे को भी मिलेगा। ये क्या है, तीन तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन तीन पॉइंट्स है उसके बारे में, और उसी का टेबल बना के यहाँ पे मस्त लिखा हुआ। आई होप क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे बेटा, और एग्जाम सर्विस ये तो आपको मालूम ही है, आउटपुट बाय बाय एन एजुकेशन अगेन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ और बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये भी बता दिया था। हेल्थ केयर सर्विस पे आने के पहले क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 लेना चाहूंगा, क्या लगे आप क्वेश्चन हो जाएंगे ना तो आपको अच्छा रहेगा बेटा, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 चलिए ठीक है स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस करने के लिए पहले बेटा एक एंट्री और आपको पढ़ा देता हूं, एंट्री नंबर 12 जो ये क्वेश्चन में काम आएंगी, ठीक है देख लीजिए। ये अदर एंट्रीज में लिखी है, आपके नोट्स अगर आप देखोगे तो पेज नंबर 115 पे, ठीक है। अदर एंट्रीज, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का रेंट देना, रेसिडेंशियल यानी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का सबसे पहले तो मतलब क्या होता सर? रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब आपको अगर मैं बताऊं तो वो रहने के लिए मकान देना या रहने लायक घर देना, मतलब आप इसको बोल सकते हैं रहता हुआ घर या रहने लायक, मतलब आप जिस घर में रहते हो और वही घर का ऊपर का फ्लोर आपने दिया किराए से, तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग हो गया, ठीक है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। या रहने लायक घर, रहने लायक घर अगर आपने किराए से दिया तो वो भी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रेजिडेंस के लिए। अभी थोड़ा लॉन्ग टर्म रहना चाहिए तो एग्जेम्प्ट रहता है, लॉन्ग टर्म मतलब 4 महीना, 6 महीना, 10 महीना इस टाइप के एग्रीमेंट बने तो एग्जेम्प्ट है। अगर ये आप बोले एकदम शॉर्ट टर्म है, 1 दिन 2 दिन के लिए 10 दिन के लिए, तो ये रेसिडेंशियल ड्वेल यूज फॉर रेसिडेंस में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बस ये एक एंट्री हमारी हो गई समझ लेना, ठीक है। अब होटल इनकी तो बाद में बात करेंगे। और हाँ तो अब क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, कौन से क्वेश्चन हो गए थे हमारे, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। करीना लिमिटेड अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सर्विस फ्रॉम मंथ ऑफ नवंबर। ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल इंक्लूडेड रिसिप्ट फॉर प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल ड्वेलिंग सर्विसेज ऑफ 12 लाख। बताओ बेटा बोर्डिंग स्कूल वाला क्या रहता है, ऑब्वियसली एग्जेम्प्ट रहता है एंट्री 12 के हिसाब से, ठीक है एग्जेम्प्ट, इंक्लूड रेसिडेंशियल ड्वेलिंग भी एग्जेम्प्ट है, आपको बताया। कंडक्टिंग प्राइवेट ट्यूशन ऑब्वियसली पूरा टैक्सेबल। एजुकेशन सर्विस फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय अ फॉरेन कंट्री टैक्सेबल। मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल कोर्स अप्रूव्ड बाय एग्जेम्प्ट। फीस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय फॉर कैंपस इंटरव्यू टैक्सेबल। रेंटिंग ऑफ फिनिश्ड फ्लैट फॉर टेम्पररी स्टे टू डिफरेंट पर्सन, ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में नहीं आएगा, टेम्पररी स्टे नहीं परमानेंट, मैंने 2 महीना 3 महीना होना चाहिए, टेम्पररी है, ये भी टैक्सेबल है। यानी टैक्सेबल 16 + 6 + 6 = 80। अब आप सॉल्यूशन भी देख सकते, 16 सॉरी ये 8 भी आ जाएगा ना, नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये 8 भी आएगा, ये देखिए। और ये वर्किंग नोट्स दिए, इस तरीके से बेटा एग्जाम में सॉल्व करना, इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं डाल रहा हूं। इसके बाद आते हैं आईआईएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ग्रॉस रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट पर्सिंग 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा एग्जाम्प्ट। स्टूडेंट पर्सिंग फेलो मेंबरशिप अगेन एग्जाम, मैनेजमेंट प्रोग्राम शॉर्ट ड्यूरेशन, ये एग्जाम नहीं है, ये टैक्सेबल है, ठीक है। 18% जीएसटी, क्वेश्चन में रेट दिया रहेगा, आपको रेट याद करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, मोरी लिमिटेड इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, मोदी लिमिटेड नाम का एक कंपनी है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा, यानी ये जो क्वेश्चन था ये आउटपुट सर्विस का था, ऊपर वाला भी आउटपुट सर्विस का था, और ये जो है ये इनपुट सर्विसेज का। हालांकि ये क्वेश्चंस आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो, मैं चाहता तो नहीं भी पढ़ा सकता, तो मैं चाहता हूं कि पूरा कराऊं मैं खुद ही आपको, मतलब ये क्वेश्चंस 32-33 क्वेश्चंस है टोटल, पूरा मैं कराऊंगा, आपको कुछ देखना इसमें नहीं है। एंगेज इन प्रोवाइड वेरियस सर्विस टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फर्निश यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन जीएसटी, ठीक है, इफ ऑल चार्जेस आर एक्सक्लूसिव, ठीक है। रेंटिंग ऑफ इमुए प्रॉपर्टी टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, 5 अपन ने देखी थी, 5 सर्विस जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दी जाती है वो एग्जेम्प्ट है, उसमें भी बाइफर्केशन था, लेकिन ये रेंटिंग उसके अंदर कहीं नहीं थी, यानी ये टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट नहीं रहेंगी, ठीक है, यानी टैक्स लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात ये है। उसके बाद
आपके रेंटिंग ऑफ फीवर प्रॉपर्टी टू कमर्शियल कोचिंग, ये तो 100% टैक्सेबल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड स्टूडेंट्स ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जाम। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, अब देखिए स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दिया तो एग्जाम्ड, ठीक है। जैसे ये स्कूल है, स्कूल को स्टूडेंट्स को सर्विस देनी है, लेकिन ये ट्रांसपोर्टर ने, तो एक सेकेंड, ट्रांसपोर्टर ने स्कूल को बसेस हायर पे दी, तो ये ट्रांसपोर्टर जो ये इनपुट सर्विस दे रहा है ये एग्जेम्प्ट है। और एक चीज बताओ, अगर ये ट्रांसपोर्टर ने किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर से बसेस लाई ना हायर पे देने के लिए, काय के लिए, ये ट्रांसपोर्टर ने दूसरे ट्रांसपोर्टर से लेके आई बसेस, काय के लिए लाई, हायर पे देने के लिए। किसको हायर पे देने के लिए, स्कूल को, तो बेटा यहां से यहां भी एग्जेम्प्ट है। ये एंट्री आगे आएंगी जो ये कन्वर्ट करती है ट्रांसपोर्टर टू ट्रांसपोर्टर, ठीक है, आगे आएंगी जब बताऊंगा, अभी के लिए आप इतना समझ लो। तो ये क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रनिंग अप्रूव्ड वोकेशनल, इनको नहीं रहती कैटरिंग, सिर्फ हायर सेकेंडरी स्कूल तक रहती है, ठीक है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड टू प्री नर्सरी, ओके एग्जेम्प्ट, प्री नर्सरी वालों को तो काफी कुछ एग्जेम्प्ट है। उसके बाद हाउसकीपिंग एंड क्लीनिंग सर्विसेज टू कॉलेज प्रोवाइडिंग रिकॉग्नाइज्ड डिग्री कोर्स, रिकॉग्नाइज्ड डिग्री कोर्स पूरा टैक्सेबल है, क्योंकि हाउसकीपिंग सिर्फ तीसरी एंट्री इसको एप्लीकेबल है, सिर्फ वो प्री नर्सरी वालों तक, प्री नर्सरी और वो। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ICAI एग्जेम्प्ट, सीधी सी बात, एग्जाम की सर्विस एग्जेम्प्ट है ना बेटा। उसके बाद ICAI की प्लेसमेंट सर्विस, उसका टैक्सेबल है। प्लेसमेंट सर्विस मतलब भाई वो जो लोग आते हैं ना, जो लोग आते हैं ना प्लेसमेंट सर्विस, ये जो लोग प्लेसमेंट के लिए आते हैं, जो इंटरव्यू लेने आते हैं स्टूडेंट्स, वो प्लेसमेंट सर्विस की बात है, तो वो तो टैक्सेबल है ना बेटा। डेवलपमेंट ऑफ कोर्स कंटेंट ऑफ ICAI इंस्टीट्यूट, ICAI इंस्टीट्यूट का कोर्स कंटेंट डेवलप करना, ये भी ऑब्वियसली टैक्सेबल रहेगा, ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा नहीं। ट्रेनिंग टू स्टाफ ऑफ हायर सेकेंडरी, ऐसा कुछ एग्जेम्पशन अपन ने देखा नहीं ट्रेनिंग का, ये भी टैक्सेबल। रिसर्च बाय और सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जनरल, हाँ ये एग्जेम्प्ट तो रहता है, लेकिन किसको एग्जेम्प्ट रहता है, किसको रहता है वो भी तो है ना। 5 लाख फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हु प्रोवाइड डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, इनको एग्जेम्प्ट रहता है। और 2.5 लाख हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी को एग्जाम नहीं रहता। ऑनलाइन जर्नल वाला सिर्फ एक को ही एग्जेम्प्ट रहता है, याद रहती नहीं पता नहीं, मैं दिखा देता हूं। ऑनलाइन जर्नल सिर्फ इन्हीं को एग्जेम्प्ट रहता है, अप्रूव्ड वोकेशनल इंस्टीट्यूशन को रहता है, और सॉरी ऑनलाइन जर्नल ये रहा, सिर्फ किसको रहता है, ये इनको रहता है रिकॉग्नाइज बाय लॉ वालों को, बाकी सबको ये ऑनलाइन जर्नल जो है वो टैक्सेबल है, ठीक है। तो 2.5 लाख का इनको था, बाकी उनको था, एक सेकेंड, तो अभी क्या करना पड़ेगा, नाउ इन दिस केस आपको एक एग्जेम्प्ट है बाकी नहीं है, जरा ध्यान देना क्वेश्चन क्या है। 2.5 लाख फ्रॉम हायर सेकेंडरी, तो 2.5 लाख टैक्सेबल है बेटा, और ये जो 5 लाख है जिसको दिया ये डिग्री कोर्स रिकॉग्नाइज वालों, इनके लिए एग्जाम देना, 2.5 लाख टैक्सेबल, सब रीजन के साथ वर्किंग के साथ दिया है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो शांति से, आसान, ठीक है। तो ये एक सर्विस और हमारी कंप्लीट होती है। अब हम इसके बाद अगले पे आएंगे, इसके बाद है आपका हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है, ये भी आसान है बेटा, हेल्थ केयर सर्विस। एंट्री नंबर 46, सर्विस प्रोवाइड बाय वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड, वेटरनरी क्लिनिक यानी जानवरों का दवा खाना, सीधी बात। एंट्री नंबर 73, सर्विस प्रोवाइड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स और एनी अदर सर्विस इन रिलेशन टू सच प्रिजर्वेशन, ये क्या होता है पता है, जब बेबी बॉर्न होता है जो नाल रहती है ना बच्चे की, वो नाल के अंदर कॉर्ड ब्लड रहता है, वो कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स उसके अंदर रहती है, ये प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सारी जैसे लाइफ सेल नाम की कंपनी है, कोर क्रायो बैंक नाम की कंपनी, ये सब लोग इसको प्रिजर्व करते हैं, रिलायंस लाइफ साइंसेस भी है, ये इसको प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि बच्चे को कभी भविष्य में जरूरत पड़े तो वो ब्लड उसको मिल जाए, क्योंकि वो ब्लड से बहुत सारी बीमारियां डिसीज दूर हो सकती है बड़ी बड़ी, ठीक है ना, तो ये सर्विस भी एग्जेम्प्ट है। उसके बाद
74A को थोड़ा एलाबोरेट भी किया है हमने। और सबसे पहले तो आप ये टर्म देख ली, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मतलब होता है हॉस्पिटल, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब जो आपका डॉक्टर, और पैरामेडिक मतलब नर्सिंग स्टाफ, ये आप समझ लीजिए ठीक है। और उसके बाद एक दो चीजें और हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले एंट्री नंबर 74 को जरा हम देखते हैं। सर्विस बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विस बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट हॉस्पिटल, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर आपका डॉक्टर, और पैरामेडिक्स यानी नर्सेस, ये सर्विस एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस अदर देन दो स्पेसिफाइड इन ए अबव, इसके अलावा वाली एग्जेम्प्ट है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एम्बुलेंस अदर देन दो स्पेसिफाइड इन ए अबव, इसके अलावा जो सर्विस रहती है वो एग्जेम्प्ट रहेंगे ठीक है। इसको डिटेल में जरा देख लेते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, अभी आपने देखा। अब हेल्थ केयर सर्विस का मतलब क्या? हेल्थ केयर सर्विस मीन्स एनी सर्विस, आई रिपीट, एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट यानी जैसे आईसीयू में रखते हैं ठीक है, आईसीयू में रखते हो ट्रीटमेंट है। केयर फॉर इलनेस, नर्सिंग स्टाफ केयर करती है इलनेस के लिए। इंजुरी ठीक है, फॉर इलनेस यानी ये नॉर्मल रूम में रखा, नॉर्मल रूम भी रहता है ना उसके अंदर भी रखा, फूड दिया, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। केयरिंग फॉर इलनेस, फूड भी देते हैं ना डॉक्टर, प्रिस्क्राइब करता है ना ये खाना आपको खाना है, तो वो सब उसके अंदर आ गया। इंजुरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मलिटी और प्रेगनेंसी इन रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। वॉट इज रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन? ये है रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसको आप पढ़ सकते हैं, कोई विशेष नहीं है ये। एंड इंक्लूड सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स टू एंड फ्रॉम अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, टू एंड फ्रॉम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट से भेजना या क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में लाना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किसको? पेशेंट्स को ठीक है। एम्बुलेंस सर्विस आ गई यहां पे। डू नॉट इंक्लूड, अब क्या क्या इंक्लूड है, हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, ये इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ एबनॉर्मेलिटी हो गई है, जैसे मान लीजिए चेहरा जल गया, अब उसको रिस्टोर करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराना जरूरी है, बाल पूरे जल गए या झड़ गए, कभी कभी मेडिसिन देते हैं इस टाइप, जैसे कैंसर मेडिसिन के अंदर क्या होता है, बाल झड़ जाते हैं, तो बाल क्यों झड़े? वह मेडिसिन के कारण। तो अब हेयर ट्रांसप्लांट कराया, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट काय के लिए दिया? कोई कंटीजियल डिसीज, एबनॉर्मेलिटी, इन्फेक्शन, कुछ तो भी इंजुरी, ट्रॉमा, कुछ भी हुआ था उस कारण से बाल झड़े, इसीलिए ट्रांसप्लांट किया, तो एक्सेम्प्ट है। और ऐसे ही आपके बाल झड़ गए और आपने ट्रांसप्लांट करा लिया, कोई इंजुरी नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, तो फिर वो टैक्सेबल है, ध्यान रखना ये चीज। ये तो आ गया। हाँ, इट इज अपेरेंट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, ओनली सर्विसेज रिकॉग्नाइज्ड इन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस एंट्री। यानी आप देख लो, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन अगर है तो ही ये एंट्री में एग्जेम्प्ट है, नहीं तो एग्जेम्प्ट नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना ठीक है। इसका मतलब आपको बता दिया। रेंट ऑफ रूम प्रोवाइडेड टू इन पेशेंट इन हॉस्पिटल, पेशेंट्स को दे रहे रूम तो वो एग्जेम्प्ट है। सर्विस प्रोवाइड बाय सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट टेक्नीशियंस, इट इज क्लैरिफाइड बाय सीबीआईसी दैट सर्विस प्रोवाइड बाय हायरिंग ऑफ एनी सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट हुज वेदर एम्प्लॉय और नॉट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। कभी कभी बड़े डॉक्टर को बुलाना पड़ता है तो वो भी एग्जेम्प्ट रहता है। अमाउंट चार्ज बाय हॉस्पिटल फ्रॉम पेशेंट्स, अब जरा ध्यान देना इस पे। इन अबव केस सपोज हॉस्पिटल चार्ज, अब जैसे आप इसके अंदर क्या होता है, बड़े डॉक्टर को बुलाते हैं, अब बड़े डॉक्टर का जो भी चार्ज रहेगा तो पेशेंट को देना पड़ता है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, एक्चुअल भी लिया जाता है, जैसे बड़े डॉक्टर ने 10,000 चार्ज किया और पेशेंट से 10,000 लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़े डॉक्टर ने अगर 7,500 चार्ज किया और आपने पेशेंट से 10,000 लिया, तो 2,500 आपने प्रॉफिट कमाया, तो भैया ये भी एग्जेम्प्ट है, एंटायर अमाउंट चार्ज, ये ध्यान रखना। सपोज हॉस्पिटल चार्ज पेशेंट से 10,000 एंड कंसल्टेंट को 7,500 ही दे रहा और बैलेंस अपने लिए दे रख रहा है, भैया प्रॉफिट समझ लो, लेकिन वो रख रहा है काई के लिए? नर्सिंग केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इस चीज के लिए है। तो भैया दिस कैन बी इन्फर दैट हॉस्पिटल आल्सो प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज, सीधी सी बात है। द एंटायर अमाउंट चार्ज फ्रॉम पेशेंट फॉर रिटेंशन मनी इंक्लूडिंग रिटेंशन मनी, यानी एंटायर अमाउंट कितना हुआ 10,000, इसमें रिटेंशन मनी कितना है 2,500, ये पूरा के पूरा हेल्थ केयर के लिए बोला जाएगा और ये पूरा के पूरा एग्जेम्प्ट माना जाएगा, ये क्लैरिफिकेशन है ठीक है। फूड सप्लाइड टू पेशेंट, अब इसमें दो चीज है,
एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ये खाना देना पेशेंट को, वो तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर उसके अलावा रहे तो वो टैक्सेबल है। कैसे देखना, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट विल इंक्लूड फूड सप्लाई टू द पेशेंट, बट सच फूड मे बी प्रिपेयर्ड बाय द कैंटीन रन बाय हॉस्पिटल और मे बी आउटसोर्स बाय हॉस्पिटल फ्रॉम अदर आउटडोर सर्कैटर्स। व्हेन आउटसोर्स देर इज नो एम्बिग्यूटी दैट सप्लायर्स शेल चार्ज टैक्स एप्लीकेबल एंड हॉस्पिटल विल गेट नो ITC। आउटसोर्स किया तो भैया हॉस्पिटल को कैटरिंग सर्विस दी गई, उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन फूड सप्लाइड टू इन पेशेंट्स एज एडवाइज बाय डॉक्टर न्यूट्रिशन एज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई विल नॉट सेपरेटली टैक्सेबल। पेशेंट भर्ती है बेचारा इन पेशेंट है और साथ ही साथ उसको न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर फूड भी है, इसको दलिया ही देना है, खिचड़ी ही देना है, तो उसके साथ फूड मिलता है आजकल। तो ये कंपोजिट सप्लाई है, नेचुरली बंडल्ड है। मेन सप्लाई क्या है उसका, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट एग्जेम्प्ट तो कंपोजिट भी एग्जेम्प्ट ऑब्वियसली। लेकिन अदर सप्लाई ऑफ फूड बाय हॉस्पिटल टू पेशेंट जिसको एडमिट नहीं किया या अटेंडेंस वगैरह, तो वो टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, सर्विस अदर देन हेल्थ केयर सर्विस अदर देन हेल्थ केयर सर्विस इन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट प्रीमाइसेस, हेल्थ केयर सर्विस के अलावा कोई भी और सर्विस वहां दी जाती है तो वो GST लगेगा। जैसे रेंटिंग ऑफ शॉप, कई बार हॉस्पिटल बनाते हैं नीचे दुकानें डाल दिया, दवाई की दुकान को किराए से दे दिया या किसी को भी खाने के ईटेबल शॉप को किराए से दे दिया, तो भैया वो सर्विस जो है रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी में जाएंगे और वो टैक्सेबल रहेंगे। डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट सब्जेक्ट टू GST। अब हॉस्पिटल पे बड़ा एडवर्टाइजमेंट भी लगाया, ये भी सर्विस हॉस्पिटल ने दी, तो ये सब टैक्सेबल रहेगा। आई बात समझ में? इसके ऊपर बेटा एक क्वेश्चन भी है जो हम देख सकते हैं। अब बेटा इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन देख सकते हैं, ये समरी बना के दी हुई है, ठीक है, आप देख सकते हो इसको। बहुत आसान है बेटा ये सर्विस, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 7 7 7, ये रहा। हाँ, पुरोहित नर्सिंग होम हैज रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर इन लियू ऑफ वेरियस सर्विस रेंडेड बाय इट इन द सेम मंथ, यू आर रिक्वायर्ड टू GST, आपको कैलकुलेट करना है। चलिए ठीक है। पैलेटिव केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स टू पेशेंट एट पेशेंट्स होम, पैलेटिव केयर इज गिवन टू इंप्रूव क्वालिटी लाइफ ऑफ पेशेंट हु हैव सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, बट द गोल ऑफ सच केयर इज नॉट टू क्योर डिसीज। क्योर नहीं कर रहे, क्योर नहीं कर रहे, लेकिन भैया उनको ट्रीटमेंट के लिए दिया जा रहा। बोलो बेटा क्या होगा? इल पेशेंट दिया किसको? पेशेंट इल, बीमार को, और बीमार ना हो इसीलिए दिया, प्रोटेक्ट करने के लिए। एग्जेम्प्ट है ऑब्वियसली, एंट्री नंबर 74, ये तो एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज पर कॉर्ड ब्लंक, ये तो आपको मालूम है, ये भी एग्जेम्प्ट है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस, कुछ लिखा नहीं है, मतलब टैक्सेबल। एम्बुलेंस सर्विस टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट फ्रॉम वेरियस लोकेशन टू हॉस्पिटल नर्सिंग होम, एग्जेम्प्ट है। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, सच ट्रीटमेंट इज रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट रिकॉग्नाइज है तो एग्जेम्प्ट हुआ। प्लास्टिक सर्जरी टू रिस्टोर एनेटोमी ऑफ चाइल्ड अफेक्टेड ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर प्लास्टिक सर्जरी नॉर्मल कराए तो टैक्सेबल है, लेकिन यहां चाइल्ड एक्सीडेंट हो गया था, उसका जल गया होगा, कुछ भी हुआ होगा, उसको रिस्टोर करने के लिए दी जा रही है, तो वो क्या है? टैक्सेबल, सॉरी एग्जेम्प्ट है। प्रेनिक हीलिंग ट्रीटमेंट, सच ट्रीटमेंट इज नॉट रिकॉग्नाइज सिस्टम, तो टैक्सेबल। मोटरी सर्विस, मोटरी मतलब मर गया बेचारा, नेगेटिव लिस्ट में है मोटरी सर्विस, आपको बताया था भाई मरे हुए से क्या टैक्स लेंगे, नेगेटिव लिस्ट हमने पढ़ी थी, याद कर लो, शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 शेड्यूल सप्लाई की नेगेटिव लिस्ट सेक्शन 7 वाला। सब शेड्यूल 3 सॉरी शेड्यूल 3 के अंदर पढ़ा था, नेगेटिव लिस्ट के अंदर याद होगा आपको, मोटरी मरे हुए से क्या पैसे लेंगे, जाते जाते GST मत दो, नेगेटिव लिस्ट के अंदर है, मतलब वैसे ही एग्जेम्प्ट हो गया। टोटल मार दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 8 तो अभी नहीं करें, क्योंकि 8 के अंदर आपको गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट है, तो चलिए बेटा ठीक है, अब आप नए सर्विस पे आते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। कहां गया? अब बेटा दो चीजें हैं गवर्नमेंट से, एक सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट है, एक सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट है, दोनों में एग्जेम्पशंस है कुछ कुछ। अभी तो मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं ये लेक्चर में सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, मैं सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट इस लेक्चर में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि अननेसेसरी वो तकलीफ हो जाएगी। सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ही हम इसके अंदर लेंगे, ठीक है। बहुत आसान है ये, बहुत यानी बहुत ही आसान है, तो अब ये
पहले कुछ डेफिनेशंस है। बिजनेस एंटिटी मतलब एनी पर्सन कैरिंग आउट बिजनेस। गवर्नमेंटल अथॉरिटी, देखिए गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होता है। अब गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी क्या होता है वो समझ लीजिए। गवर्नमेंटल अथॉरिटी मतलब एनी अथॉरिटी और बोर्ड और एनी अदर बॉडी सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट विथ 90% और मोर पार्टिसिपेशन बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल टू कैरी आउट फंक्शनल इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और पंचायत अंडर आर्टिकल 243G। ये लोकल अथॉरिटी के बारे में लिखा है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी हो गई। गवर्नमेंट एंटिटी मतलब क्या हुआ, अथॉरिटी और बोर्ड और एनी बॉडी इंक्लूडिंग अ सोसाइटी, ट्रस्ट, कॉर्पोरेशन जैसे LIC वगैरह है, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेब्लिश बाय एनी गवर्नमेंट। और एक और चीज है, विथ 90% और मोर पार्टिसिपेशन, वही सेम वापस आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी के बारे में डेफिनेशन आ गई। बस ये डेफिनेशन तक ही था, एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन इसको ध्यान रखना है। जब यहाँ पे ये वर्ड्स यूज होंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। एयरक्राफ्ट मतलब वो आपको मालूम है, पतंग, पतंग नहीं सॉरी, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट जो हवा में उड़ता है, एयरक्राफ्ट बस, बाकी कुछ नहीं, डेफिनेशन है वो। एंट्री नंबर 4 और एंट्री नंबर 5 कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एंट्री नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट, और सब कुछ एंट्री नंबर 6 के अंदर ज्यादातर चीजें आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है एंट्री नंबर 6, ये बात ध्यान रखना। एंट्री नंबर 4 और 5 पहले अपन देख लेते हैं। सर्विस बाय गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन एंट्रस्टेड टू अ म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर एग्जाम। सर्विस बाय वे ऑफ बाय अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत अंडर 243G ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एग्जाम अभी पढ़ा था, ये अपन ने दोनों डेफिनेशन में गवर्नमेंटल अथॉरिटी की देख लो। ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी वो यहां पे दोनों एंट्री में एग्जेम्प्ट है इनकी सर्विस। आई बात समझ में, सिंपल। अब एंट्री नंबर 6 सबसे काम की चीज, ये सब तो 4 और 5 नहीं भी पढ़ो चलता, ध्यान आ जाता है, एंट्री नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी एंट्री पढ़ा रहा हूं बेटा उसके साथ आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं। क्वेश्चंस कराने से क्या होता है, आपको उसको एप्लीकेशन इमीडिएटली समझ में आ जाता है, उससे बेनिफिट मिलता है, बहुत बेनिफिट मिलता है, बराबर है। तो चलिए एंट्री नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। सर्विस बाय गवर्नमेंट, वो भी कौन सी, सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। कौन कौन आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। अब अगले बार से जब मैं सर्विस बाय गवर्नमेंट बोलूंगा ना, तो समझ लेना ये चारों आ गए उसके अंदर। मैं बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी नहीं पढ़ूंगा। या मैं CGSG UT LA सीधा ऐसा ही आपको बोलूंगा, या मैं सिर्फ गवर्नमेंट का नाम लूंगा, तो आपको समझ जाना है कि चारों उसके अंदर आ गए। एवरी सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट, इसके अंदर से तो यही समझ में आ रहा है, सर्विस बाय पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन एग्जेम्प्शन टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, नॉट ऑल सर्विस प्रोवाइडेड गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, सारी सर्विस एग्जेम्प्ट नहीं है। तो सर कौन सी एग्जेम्प्ट नहीं है, फॉलोइंग सर्विस आर नॉट एग्जेम्प्ट, चार चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, इसमें से जो तीन है वो स्पेसिफाइड है और उसके बाद वाली जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है। चलिए तो एक बार इसको स्टार्ट, अब इसके अंदर देखिए सारी सर्विस एग्जेम्प्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखना, नॉट ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अब मैं बाय पढ़ रहा हूं, गवर्नमेंट जो सर्विस दे रही, गवर्नमेंट मतलब कौन, सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, ठीक है, चारों आ गए यहां पे, आर एग्जेम्प्ट, नॉट ऑल सर्विस एग्जाम्पल है, ठीक है, कौन सी एग्जाम नहीं। अब इसमें ए बी सी डी चार है बेटा, लेकिन इसमें ए और ए टू सी है ना, उसको स्पेसिफाइड सर्विस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, स्पेसिफाइड सर्विस कहा जाता है। चलिए देखते हैं, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विस प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन गवर्नमेंट, समझ लो, प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को दिया तो एग्जेम्प्ट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट गवर्नमेंट को देंगी तो काय का टैक्स लगेगा भैया, ठीक है ना। सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन गवर्नमेंट, किसी भी पर्सन को गवर्नमेंट के अलावा अगर प्रोवाइड किया तो ये टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट नहीं है। सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट
और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसेंस ऑफ एयरपोर्ट और अ पोर्ट, ये भी टैक्सेबल है. ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, ये भी एक टैक्सेबल है. ये सब सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, लेकिन इसके अंदर इंटरनली कुछ एग्जेम्पशन है, ये बाद में अपन लोग देखेंगे, ठीक है ना. अब इसके अंदर सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसेंस ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट, ठीक है. ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, गवर्नमेंट गुड्स पैसेंजर कौन सी देती है? रेलवे. रेलवे की मालगाड़ी, सॉरी, रेलवे की मालगाड़ी मालूम है आपको, जो गुड्स ले जाती है, जीएसटी है उसके ऊपर भैया. एनी सर्विस, अब जरा ध्यान रखना, एनी सर्विस अदर देन सर्विस कवर्ड अंडर ए टू सी अबव प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी विथ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू सच अमाउंट इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज इट मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट. अब ये क्या, इसका मतलब क्या सर? एक बार फिर से पढ़ता हूं, ये अमेंडमेंट है बेटा, ये जो इतना पोर्शन है ना, ये अमेंडमेंट है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर. पहले पता है क्या था? 20 लाख ब्रैकेट में 10 लाख, ऐसा कुछ तो भी लिखते थे. क्यों लिखते थे ऐसा? क्योंकि जो 20 लाख है वो एग्जेम्पशन लिमिट है. 20 लाख क्या थी? एग्जेम्पशन लिमिट थी, सॉरी एग्जेम्पशन लिमिट नहीं, रजिस्ट्रेशन लिमिट थी, कि 20 लाख तक आपका टर्नओवर, 10 लाख कुछ स्टेट्स में, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती थी, बराबर है. तो ये रजिस्ट्रेशन लिमिट के बारे में था, लेकिन पहले ऐसा था 20 लाख और 10 लाख रजिस्ट्रेशन लिमिट के बारे में था, बट अब ऐसा नहीं है. ये अमेंडमेंट इसी बार किया गया, और ये अमेंडमेंट क्या कहता है जरा समझ लो, ये बार बार आएगा, कई जगह पे ये चीज आएंगी, आपको एक बार मैं अच्छे से समझाता हूं इस चीज को. अप टू सच अमाउंट विथ एन एग्रीगेट टर्नओवर, अप टू सच अमाउंट इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल, प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट, अप टू सच अमाउंट एज मेक इट्स एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन. पहले क्या था? 20 लाख 10 लाख वाला लिखा था, लेकिन कुछ स्टेट्स ने रजिस्ट्रेशन लिमिट 40 लाख कर दिया. तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है? बार बार ये अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं, मतलब अनरजिस्टर्ड तक वालों के लिए बेसिकली ये चीज है. कौन से टर्नओवर तक? एग्रीगेट टर्नओवर कब तक आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, या किस टर्नओवर के बाद आप एलिजिबल हो, मतलब किस टर्नओवर तक आप एलिजिबल हो एग्जेम्पशन के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने से मुक्ति, रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, ये किस टर्नओवर तक है उसके बारे में यहां पे लिखा हुआ है. आई बात समझ में? और ए टू सी को आपको स्पेसिफाइड सर्विस कहा जाता है. अब पहले ये 20 लाख और 10 लाख ही था, आप एक चीज समझ लो, पहले था 20 लाख और कुछ स्टेट्स में था ये 10 लाख. तो ये टर्नओवर की स्पेसिफिक अमाउंट लिखा था कि कौन से टर्नओवर तक ये एग्जेम्प्ट है, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब ये कभी भी टर्नओवर चेंज हो उससे, मतलब टर्नओवर लिमिट चेंज हो, रजिस्ट्रेशन के लिए जो टर्नओवर लिमिट है वो चेंज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपको सीधा सीधा अब ये कह दिया गया है, अप टू सच अमाउंट इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन. तो अगर 20 लाख 10 लाख तक वाले टर्नओवर वाले जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर है, तो उनको अगर सर्विस दी जाती है तो वो एग्जेम्प्ट है ए टू सी अबाउट, इनको छोड़ के. ए टू सी तो भैया सबको टैक्सेबल है, सीधी सीधी बात. और अनरजिस्टर्ड वालों के लिए है बेटा, देखा जाए तो ये सिर्फ ये डी वाला पॉइंट, ठीक है. और चलिए आगे चलते हैं. अब इसका दोस्तों मतलब एक और निकल रहा है, ये आप जरा ध्यान देना. ये चार अपन ने देखा, चारों आपको मैंने बताया. अब इसके अंदर इसका मतलब ये है कि ये जो तीन सर्विसेज है, ये तीन सर्विसेज एग्जेम्प्ट नहीं है. गवर्नमेंट किसी को भी दे, लिख लो लगे तो आप, किसी को भी दो तो ये सर्विस टैक्सेबल है, किसी को भी दो तो टैक्सेबल. लेकिन ये टैक्सेबल कब होगा? डी वाली, अदर देन, इसके अलावा, ए बी सी के अलावा, अदर देन कवर्ड इन ए टू सी प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी को देना है. नंबर 1, एनी सर्विस अदर देन अबव विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू, उस एंटिटी का टर्नओवर कहां तक होना चाहिए? उतना अमाउंट तक कि भैया प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एज मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन. मतलब अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नहीं है, उसका एग्जेम्पशन है. एग्जेम्पशन मतलब 20 लाख, अब थोड़ी देर के लिए 20 लाख समझ लीजिए, 20 लाख या 40 लाख, जो भी एग्जेम्पशन लिमिट है रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए, बराबर है. और ए टू सी को स्पेसिफाइड सर्विस बोला गया है. अब यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वगैरह इसके बारे में थोड़ा एलेबोरेट है, ये भी देख लेते हैं हम लोग.
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. एंट्री 6 स्टिपुलेट्स दैट सर्विस बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू पर्सन अदर देन गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी आर नॉट एक्सेम्प्ट. द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, पासपोर्ट एप्लीकेशन, कलेक्शन ऑफ टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन कमीशन बेसिस. दीज सर्विसेज आर इन द नेचर ऑफ इंटरमीजरी एंड जनरली कॉल्ड एजेंसी सर्विस. ऑन एजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज लाइबल टू पे टैक्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स चार्ज. इस पे तो लगेगा ही, सीधी सी बात. However, the following services provided by Department of Post are not liable to tax. कौन सी? Basic mail services. Known as postal service such as postcard, inland card, book post, register post provided exclusively by Department of Post to meet the universal postal obligation. जो service सिर्फ exclusively Department of Post ही provide करता है वो exempt है. Exempt है मतलब उस पर कोई tax नहीं है. Transfer of money through money orders, operations of saving accounts, issue of postal orders, pension payments and other such services, ये सारी भी exempt रहेगी. इस पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है. अब इसके बाद एंट्री नंबर 7 है और आगे की एंट्रीज है, चलिए ये हम देखेंगे. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी. अब जरा इस पे ध्यान देना. सर्विस जीएसटी ऑन सर्विस सप्लाइड बाय सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, ये आपका जो फोर्थ है ना, अभी अपन ने देखा था सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी. ये देखिए सर्विस अदर देन सर्विस कवर्ड ए टू सी अबव प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, ये फोर्थ का एक्सप्लेनेशन है. ये एंट्री नंबर 7 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ बिजनेस एंटिटी. जीएसटी ऑन सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूटीओ लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी. वो बिजनेस एंटिटी का क्या चाहिए? विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज इट मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट. ये 1 अक्टूबर 2019 का अमेंडमेंट है. पहले 10 लाख 20 लाख लिखा था, 10-20 लाख ब्रैकेट के अंदर कुछ स्टेट्स के लिए 10 लाख इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय सच बिजनेस एंटिटी. क्या कहा है? विथ एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू सच अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. जरा समझना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं दो बार इसीलिए पढ़ रहा हूं. दो क्या तीन बार पढ़ना पड़ेगा, चार बार भी पढ़ना पड़ सकता है, जरा ध्यान देना. रिवर्स चार्ज की बात आ गई. अरे रिवर्स चार्ज कहा देखा था सर? थर्ड चैप्टर में देखा था, बहुत सारी चीजें देखी थी रिवर्स चार्ज पे. कुछ याद आ रहा है? नहीं, दिखाऊं जरा? चलिए दिखाता हूं. सबसे पहले तो एक काम करो, ये देखो एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं. विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है. अब यहां देखिए सर्विस प्रोवाइडर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट. रिसिपिएंट कौन है? बिजनेस एंटिटी. चीज समझ लेना, बराबर है. सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट, रिसिपिएंट बिजनेस एंटिटी. अब एक चीज आपको मैं बताऊंगा. अपन याद करिए थर्ड चैप्टर. थर्ड चैप्टर में कुछ तो भी पढ़ा था. हाँ सर पढ़ा था, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा. चलिए जरा उसको पहले देखेंगे. थर्ड चैप्टर आपके इसमें कहाँ है मुझे नहीं पता, मैं निकाल के बताता हूँ. एक मिनट रुकिए. ये देखिए ना मैंने निकाला है पेज नंबर 55, आप देख सकते हैं आपके नोट्स में. नोट्स अगर आपने ले लिए होंगे तो पेज नंबर 55. पांचवी हेडिंग, पांचवी एंट्री, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी और ये स्पेसिफाइड सर्विस. ये वो ही है जो तीन मैंने अभी आपको बताया, बराबर है. तो इन तीन तो ऑलरेडी कुछ भी कर लो टैक्सेबल है. अब यहां पर सर्विस प्रोवाइडर कौन और रिसिपियंट कौन, ये इसमें रिवर्स चार्ज है. रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स. रिसिपिएंट कौन है? एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी. रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड ऐसा कुछ लिखा नहीं है. अब जरा 5A को देखना, जरा 5A के तरफ देखना. सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. ओ माय गॉड, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग से बात लिखी है. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल, ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइडर है. रिसिपिएंट कौन है हमारा? ये एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट. मतलब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में रजिस्टर्ड सप्लायर, ये पर्सन रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड
रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी है, ही इज लायबल टू पे टैक्स एज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई बात समझ में? अब ध्यान से सुनना, ये तो आपको बता दिया, ये यार रिवर्स चार्ज वाला हमने मैटर देख लिया। अब मैं आता हूं वापस जो हम पढ़ रहे थे। देखिए 2 मिनट हो सकता है आपको नहीं समझे मैं क्या करा रहा, आप थोड़ा क्या करा रहे सर मालूम नहीं, 2 मिनट प्लीज 2 मिनट वेट कीजिए, ठीक है? थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट है। अभी मैं वापस पुराने पेज पे आता हूं, हमारे एज नंबर 122 कौन सा चालू था, 122 चालू था, कौन सा था, नहीं 94। हाँ मैं ये एंट्री नंबर 7 में क्या बात कर रहा हूँ सर, आप एंट्री नंबर 7 में कह रहे हो सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, लेकिन कौन से बिजनेस एंटिटी की मैं बात कर रहा हूँ? उस बिजनेस एंटिटी की बात कर रहा हूँ जो विद एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सच अमाउंट इन प्रिसीडिंग फाइन, प्रिसीडिंग फाइनेंशियल उसका वो अमाउंट था जिसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। ही वॉज एलिजिबल फ्रॉम एग्जेम्पशन फॉर फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, ही वॉज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कराने से मुक्ति, रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, वो उसका टर्नओवर था उस बिजनेस एंटिटी का। मतलब पिछले साल वो क्या होगा, ऑब्वियसली सर अनरजिस्टर्ड था, पिछले साल अनरजिस्टर्ड था, इस साल मालूम नहीं कुछ भी हो, इस साल के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो भैया इस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय सच बिजनेस एंटिटी, रिवर्स चार्ज भरना पड़ता है, अभी देखा आपने ना सर्विस प्रोवाइडेड, लेकिन इस रिवर्स चार्ज में, इस रिवर्स चार्ज, ये तो अनरजिस्टर्ड की बात हो गई। देखिए पिछले साल टर्नओवर कम था, रजिस्ट्रेशन लायबल नहीं, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पता क्या है आपका, पिछले साल का टर्नओवर 20 लाख रुपए से अगर आपका कम है तो इस साल आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप चीज समझ लो। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर मेरा 20 लाख है, मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, मुझे रजिस्ट्रेशन कराने से मुक्ति, ये टर्नओवर मुझे एलिजिबल है। हाँ तो इस साल में रजिस्ट्रेशन कराऊंगा क्या, नहीं कराया, मैं अनरजिस्टर्ड रहा, हाँ बिजनेस एंटिटी, हाँ रिवर्स चार्ज। लेकिन 5A कहता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या कहता है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना उसके अंदर, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर रिवर्स चार्ज तभी लगेगा, कब लगेगा, तभी लगेगा जब रिसिपिएंट गवर्नमेंट ने, कोई सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी रेंट पे दी, किसको, मुझे दी, मैं अगर रजिस्टर्ड हूं तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा, मैं अगर अनरजिस्टर्ड हूं तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। फाइव एंट्री नंबर 5 जो अभी देखी थी उसमें दो एक्सेप्शन थे, एक तो ये पोस्ट वगैरह वाले जो अभी अपन ने देखे, दूसरा दूसरा एक्सेप्शन था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट नहीं है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट नहीं है, उस पर टैक्स है रिवर्स चार्ज बेसिस पे, लेकिन कहां, एंट्री नंबर 5A के अंदर, एंट्री नंबर 5A के अंदर क्या लिखा था, 5A के अंदर, लेकिन पूर राइट टू रजिस्टर्ड, प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड रिवर्स चार्ज, और अनरजिस्टर्ड नॉर्मल चार्ज, अनरजिस्टर्ड रहा तो नॉर्मल चार्ज। चलिए जरा ध्यान देखना आगे लिखा है यहां पे, हाउएवर रिवर्स चार्ज प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल टू रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइडेड टू सच बिजनेस एंटिटी, सी रिवर्स चार्ज प्रोविजन। मतलब अगर मैं आपको एक चीज थोड़ा चार्ट वार्ट आप बनाना चाहूंगे अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो समझ लो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इसमें मैं क्या कवर कर रहा हूं पता है आपको, मैं सिर्फ और सिर्फ कवर कर रहा हूं सच सर्विस, प्रोवाइडेड बाय सच सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में वो आ गया बेटा सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी, टू प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, टू किसको दिया, हो सकता है आप रजिस्टर्ड को दो, हो सकता है आप अनरजिस्टर्ड को दो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड को दो अनरजिस्टर्ड, बेटा एग्जेम्प्ट तो नहीं है, ये बात ध्यान रख लो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जेम्प्ट, टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आपने रजिस्टर्ड को दिया रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी RCM 5A के हिसाब से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। कहाँ लिखा है ये देख लो भैया, बता देता हूं आपको, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये 5A देख लो भैया,
रजिस्टर्ड पर्सन, आरसीएम लग जाएगा। ठीक है, अब जरा यहां पे आना। अब अनरजिस्टर्ड को दिया तो क्या होगा? अनरजिस्टर्ड को अगर देते हैं तो भैया नॉर्मल चार्ज में चला जाएगा, ये काय में जाएगा नॉर्मल चार्ज। बट थोड़ा सा जरा यहां देखना, एक सेकेंड, यहां पर प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन है, लेकिन किसको? अनरजिस्टर्ड को एग्जेम्पशन है, जरा ध्यान देखना। सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी जीएसटी ऑन सर्विस सप्लाइड बाय दिस दिस टू बिजनेस एंटिटी विथ एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सच अमाउंट इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय बिजनेस एंटिटी। हावर सर्विस दिस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नॉट अप्लीकेबल टू रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइडेड टू सच बिजनेस एंटिटी। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला प्रोविजन जो है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का अनरजिस्टर्ड को एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ये सर्विस एग्जेम्प्ट कर दी गवर्नमेंट ने। कम ऑन, समझे क्या? देखो सर्विस एग्जेम्प्ट है तो क्या रिवर्स, क्या फॉरवर्ड चार्ज? रिवर्स चार्ज तो तब अप्लाई होगा ना जब सर्विस टैक्सेबल होंगी। नहीं समझ रहा? रिवर्स चार्ज तो तब एप्लीकेबल होगा जब सर्विस एग्जेम्प्ट होंगी। यहां तो सर्विस एग्जेम्प्ट, सॉरी, रिवर्स चार्ज तो तब एप्लीकेबल होगा जब सर्विस टैक्सेबल होंगी। यहां कहां लिखा है टैक्सेबल है? देखिए, सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, कौन सी सर्विस? जीएसटी ऑन सर्विस सप्लाइड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी विथ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू। लेकिन एक चीज यहां पे लिखी है, अब ध्यान देना। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एंट्री, एक्सप्लेनेशन देख लो, इट इज हियर बाय क्लेरिफाइड दैट प्रोविजन ऑफ दिस एंट्री शैल नॉट बी एप्लीकेबल। किसको एप्लीकेबल नहीं होंगी? सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और आइटम ए बी सी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, ऐसा साफ साफ लिखा है। यानी ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेबल हुआ? हाँ सर, बिल्कुल टैक्सेबल हुआ। टैक्सेबल हुआ तो मुझे एक चीज बताओ, अनरजिस्टर्ड के लिए क्या होगा? नॉर्मल चार्ज, नॉर्मल चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज, कुछ भी बोल सकते हो। आई बात समझ में? ये आपको मालूम है बराबर। और रजिस्टर्ड वाला यहां कवर्ड नहीं है, ये भी बता देता हूं। ये एग्जेम्पशन एंट्री, पहली बात तो रेंटिंग ऑफ फ्यूल प्रॉपर्टी कवर्ड ही नहीं है। ये देख लो, यहां लिखा है सर्विस बाय रेंटिंग ऑफ फ्यूल प्रॉपर्टी शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू फॉलोइंग सिनेरियोस। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलेंगे। एंट्री नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। इसके बाद आएगा बेटा एंट्री नंबर 8, 9। ये सब अब इजी है, इजी है, मतलब ऐसा कोई विशेष डिफिकल्ट नहीं है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय, देखिए अगेन हर जगह यही लिखा हुआ है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अनादर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। यानी सीजी एसजी, यानी एक चीज बताऊं क्या, गवर्नमेंट ने अगर गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड की तो वह एग्जेम्प्ट रहेंगी, सीधी सी बात है, एक जेब से निकल के दूसरे जेब में। हाउएवर अगेन नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू सर्विस रिफर्ड इन ए बी सी ऑफ एंट्री 6 अबव, वही पोस्ट वगैरह वाली। ठीक है, एंट्री 9 इंपॉर्टेंट है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी वेयर द कंसिडरेशन फॉर सच सर्विस डज नॉट एक्सीड 5,000। और अगेन ये हर जगह रहेगा। फर्दर इन केस वेयर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस एज डिफाइंड, मतलब थोड़ा लंबे समय के लिए रहता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस अगर अपन बोले तो, इसके अंदर जिसका मतलब अगर डेफिनेशन बताऊं मैं आपको, तो जिसका पीरियड 3 मंथ से ज्यादा हो। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का अगर आपको लिखना चाहो तो लिख सकते पीरियड ऑफ सर्विस इज मोर देन 3 मंथ्स, मोर देन 3 मंथ्स। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय, ठीक है हाँ। फर्दर वेयर कंटिन्यू सप्लाई सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिटेड लोकल अथॉरिटी द एग्जेम्पशन शेल अप्लाई ओनली वेयर द कंसिडरेशन चार्ज फॉर सर्विस डज नॉट एक्सीड 5,000। यानी जो भी सर्विस किसी को दी जा रही है उसकी कीमत अगर 5,000 से कम है, 5,000 से कम है तो वो एग्जेम्प्ट रहेंगी। एंट्री नंबर 9C, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट एंटिटी की डेफिनेशन अभी पढ़ाया था, टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और एनी पर्सन स्पेसिफाइड, कौन स्पेसिफाई कर रहा? वही, एंड अगेंस्ट कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स।
वही आसान है। देख लीजिए क्या हो रहा है, सर्विस देखिए, सप्लाई कौन कर रहा है, गवर्नमेंट एंटिटी, सॉरी गवर्नमेंटल एंटिटी, टू किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, इनको सप्लाई की जा रही है, बराबर है। और कंसिडरेशन कौन दे रहा है, यही एग्जेम्प्ट। बहुत आसान है बेटा, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, समझाने जैसा कुछ भी नहीं है इन एंट्रीज में। एटलीस्ट सर्विस बाय वे बाय एन ओल्ड एज, ये आपका इसका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी एंट्री आई थी, मैंने बोला था अभी के लिए इसको छोड़ दो 9D को। अभी वापस फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, जो को पास्ट लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। सर्विस बाय एन ओल्ड एज होम रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एंटिटी रजिस्टर्ड, यहाँ पे देखिए यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी के बारे में कुछ नहीं है, ठीक है, और एंटिटी रजिस्टर्ड 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, टू रेसिडेंट्स एज 60 ईयर्स और मोर, बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम अगर सर्विस दी जाती है, कौन दे रहा है, ये लोग, अगेंस्ट कंसिडरेशन अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर, प्रोवाइडेड द कंसिडरी चार्ज इंक्लूसिव ऑफ चार्जेस फॉर बोर्डिंग लॉजिंग एंड मेंटेनेंस, वो रहता है। अब याद करो इसका एक क्वेश्चन आया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को करवाया था और मैंने बोला था बस ये एंट्री 9D रहेगा, ये कितना था 5,000, इसीलिए एग्जेम था, 25,000 से ज्यादा, 25,000 तक एग्जेम्पशन है, 25,000 के ऊपर गया तो फिर वो टैक्सेबल अमाउंट में हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था, तो ये एंट्री 9D के अंदर आता है, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं हम, ये तो हो गया। इसके बाद है एंट्री नंबर 34A, ठीक है, 34A क्या कहता है, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी टू देयर अंडरटेकिंग्स, खुद ही अपनी अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बाय वे ऑफ गारंटिंग द लोन टेकन बाय सच अंडरटेकिंग और PSU फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने कुछ लोन लिया है और उसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, यहां पे लोकल अथॉरिटी नहीं है, फिर बता रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी ने ली है, मतलब इन्होंने क्या किया, गारंटी सर्विस सप्लाई की किसको, बैंक को गारंटी दी और इसके बदले में चार्जेस लिए जाएंगे किससे, उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से या उस गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से, तो ये जो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी टू द बैंक इज एग्जेम्प्ट। गारंटी दी ना भैया, तो सर्विस हुई ना, ये सर्विस कैसे हुई सर, सर्विस का बड़ा भारी स्कोप है बेटा, आपको पहले से मैं बता रहा हूं, एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस, गुड्स में नहीं बैठा तो सर्विस में बैठा देते हैं ये लोग, मालूम है ना इस चीज आपको। चलिए आते हैं एंट्री नंबर 47 पे, अभी सब सिंपल सिंपल है, इसमें कोई ऐसा विशेष वो नहीं है, सब सारे के सारे सिंपल है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल, देखिए वही वापस है, बार बार नहीं पड़ता, बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, किसी लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है, या टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर, पब्लिक एट लार्ज, इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, ये सब चीजों के लिए कोई सर्विस दी जा रही है, चेकिंग वेकिंग करवाने की, इसके चार्जेस कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी एग्जेम्प्ट है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फायर इक्विपमेंट्स, फायर इक्विपमेंट्स आप लगा लेते हैं तो एक इंस्पेक्शन के लिए एक आदमी आता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगाते हैं, सोलर पैनल वगैरह लगाते हैं तो इंस्पेक्शन के लिए एक आता है, उसके इंस्पेक्शन चार्जेस लिए जाते हैं, तो वो सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, कोई चीज के रजिस्ट्रेशन के लिए या टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेट वगैरह के लिए एग्जेम्प्ट, सीधी बात। एंट्री नंबर 61 बाय अगेन देख लीजिए वो सब, इश्यूएंस ऑफ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये भी एग्जेम्प्ट है, आई होप समझाने की जरूरत नहीं है। अगेन ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिटरी, लोकल से बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइन, लिक्विडेटेड डैमेजेस इज पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड सच कॉन्ट्रैक्ट। लिक्विडेटेड डैमेजेस इसके अंदर क्या आएगा बेटा, कुछ तो भी टॉलरेट करना, मतलब आपने कोई तो भी कॉन्ट्रैक्ट बराबर टाइम पे कंप्लीट करके गवर्नमेंट को नहीं दिया और उसके लिए गवर्नमेंट आपसे कोई चार्जेस दे रही है, क्या सर्विस दे रही है, बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ कंसिडरेशन इन द फाइन लगा रही है आपसे, लिक्विडेटेड डैमेजेस लिए जा रहे हैं, उस पर GST नहीं लगता। एंट्री नंबर 63, अब ये
कभी एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस नहीं आते ये सारे एंट्रीज पे जो अभी अभी बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान रखना। ये जो तीन चार एंट्री मैंने लास्ट बताई 61, 62, 63, जनरली सब पे क्वेश्चंस नहीं आते। इतने पागल थोड़ी इस पे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। एंट्री नंबर 63, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू एन इंडिविजुअल फार्मर फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्लांट, रियरिंग ऑफ लाइफ और फॉर्म्स ऑफ ऑल एनिमल एक्सेप्ट रियरिंग हाउस फॉर फूड फाइव। किसी फार्मर को एग्रीकल्चर पर्पज के लिए देना, दैट इज क्योंकि जो डेफिनेशन है ये एग्रीकल्चर की है, दैट इज फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर्पस, दैट इज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, बराबर है। इसके बाद आएगा एंट्री नंबर 65, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फॉर डेप्यूटिंग ऑफिसर आफ्टर ऑफिस। अब ये क्या होता है बता देता हूं। इंपोर्ट आप अगर करते हो तो कंटेनर को इंस्पेक्शन करना पड़ता है। अब मान लीजिए आपका कंटेनर संडे को आया, अब संडे को तो ऑफिसर्स रहते नहीं, या आफ्टर ऑफिस आवर्स, ऑफिस आवर्स मान लीजिए 11 से 6 बजे है, कंटेनर आपका 8 बजे आया, अब आपको अभी क्लियर करवाना है तो उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, आफ्टर ऑफिस चार्जेस, या हॉलीडे को आप बोलते हैं तो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। सर्विस कौन दे रहा है आपको? गवर्नमेंट। तो इसके जो चार्जेस वो लेते हैं वो भी एक्सेप्ट है, वो जो सर्विस देते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं जिसको आफ्टर ऑफिस आवर्स चार्जेस कहते हैं, उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगता। इसको मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस कहा जाता है, ठीक है। हाँ, 65B, ये भी बेटा बहुत सिंपल है, मतलब कोई ऐसा विशेष नहीं है इसके अंदर, और इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन वगैरह, सिर्फ ये ध्यान में रख लिए तो हो जाता काम। सर्विस सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू ERCC, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, by way of assigning the right to collect royalty on behalf of state government on the mineral dispatched by mining lease holders। मतलब क्या है? Right to collect royalty by dispatch, मतलब हो क्या रहा है? सर्विस सप्लायर कौन है यहाँ पे? स्टेट गवर्नमेंट इज द सर्विस सप्लायर। किसको सप्लाई कर रहे? एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ये कॉन्ट्रैक्ट करके इनको देगा। बाय वे ऑफ असाइनिंग, क्या असाइन कर रहे? राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी, मतलब मैं स्टेट गवर्नमेंट हूं, मैंने रॉयल्टी कलेक्ट कर, जैसे जो माइनिंग वगैरह करते हैं ना उनको गवर्नमेंट को रॉयल्टी देनी पड़ती है, मान लीजिए पर ट्रक, रेत माफिया वगैरह सुना होगा आपने, पर ट्रक रेत, जो रेती रहती ना सैंड, उसकी रॉयल्टी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, मध्य प्रदेश वगैरह में ज्यादा होता है। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट हूं, आपको राइट असाइन कर दिया, मैंने आपको सर्विस दी, सर्विस सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, किसको? ERCC को। काय के लिए? राइट दिया। क्या राइट दिया? रॉयल्टी कलेक्ट करने का। किसके बिहाफ में? मेरे बिहाफ में। आप जाओ और कलेक्ट करो। कौन से? किस पे? मिनरल डिस्पैच बाय माइनिंग लीज होल्डर, जिसको मैंने लीज माइन करने के लिए लीज पे खदान दे दी, समझ लो, उन लीज होल्डर को। अब इसमें क्या होता है? एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ERCC शैल सबमिट ऑन अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सर्टिफाई दैट अमाउंट ऑफ GST डिपॉजिट बाय माइनिंग लीज होल्डर ऑन रॉयल्टी इज मोर देन GST एग्जेम्प्टेड ऑन सर्विस प्रोवाइडर बाय स्टेट गवर्नमेंट टू ERCC ऑफ द असाइनमेंट ऑफ राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी। हाउएवर सच अमाउंट ऑफ GST पेड बाय माइनिंग लीज होल्डर इज लेस देन अमाउंट ऑफ GST एग्जेम्प्टेड, द एग्जेम्पशन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू सच अमाउंट एज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द माइनिंग लीज होल्डर। गलती से ज्यादा हो गया तो एग्जेम्पशन उतना ही मिलेगा जितना उन्होंने पे किया, ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और ERCC क्या करेगा? शैल पे द डिफरेंस बिटवीन GST एग्जेम्प्टेड ऑन सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू द ERCC ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी एंड GST पेड बाय द माइनिंग लीज होल्डर ऑन रॉयल्टी। दोनों के बीच का डिफरेंस पे किया जाएगा। माइनिंग लीज होल्डर यानी जो एक्वायर करता है, कौन से राइट्स एक्वायर करता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप समझना चाहो तो समझ ही सकते हो, ये आप इसके अंदर डिटेल में आप चाहो तो फिगर्स लेके भी मैं आपको समझा सकता हूँ, ये पूरा पार्ट फिगर्स लेके समझा देता हूँ तो आपको क्या होगा, ये इतना पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो फिगर्स लेके समझा, ध्यान देना बेटा। अब यहां पे तीन लोग आते हैं, ठीक है, वो पैराग्राफ ही समझा रहा मैं आपको न्यूमरिकली, ठीक है। तीन लोग आते हैं, पहला आदमी आपका है स्टेट गवर्नमेंट, यहां सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा है आपका ERCC, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्ट करने वाला, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है।
और तीसरे हो आप समझ लो कौन हो, लीज होल्डर, जिसके पास लीज है, माइनिंग लीज, माइनिंग लीज आपके पास है, यू आर द लेसर लीज होल्डर आपके पास। अब हो क्या रहा है यहां पे, कहानी समझ लो, ये जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है ये इसको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, काय का कॉन्ट्रैक्ट है देखना, सर्विस सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेस रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्टर बाय वे ऑफ असाइनिंग द राइट, क्या सर्विस दी, असाइनमेंट ऑफ राइट्स। पार्किंग लॉट वगैरह में भी ऐसा होता है, एक पार्किंग लॉट का राइट दे दिया जाता है, भैया इस पे जो भी चार्जेस आए वो तू कलेक्ट करना, बट हमको हमको एक फिक्स अमाउंट तू दे दे, ठीक है। अब ध्यान देना भाई, उसी टाइप का है यहां पे। क्या किया आपने, सबमिट एंड सॉरी हाँ कहा गया, राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑन मिनरल डिस्पैच बाय माइनिंग लीज होल्डर। अब ये जो माइनिंग लीज होल्डर है, ये जो भी मिनरल डिस्पैच करेंगे, क्या करेंगे, मिनरल डिस्पैच, उसके ऊपर जो रॉयल्टी है रॉयल्टी कलेक्ट कौन करेगा, ईआरसी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अब ये राइट असाइन किसने किया, स्टेट गवर्नमेंट ने ईआरसीसी को राइट असाइन किया। आई बात समझ में, कोई बात नहीं। अब ईआरसीसी को जो राइट, रॉयल्टी पे जीएसटी लगेगा, बराबर है, ये जो रॉयल्टी है इस पे जीएसटी लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ईआरसीसी ने दिया, जो भी जितने में भी राइट्स लिए होंगे, मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपए में राइट्स खरीदे गए हैं बाय ईआरसीसी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस पे 180 करोड़ रुपए का जीएसटी होता है, कितना, 180, 18% के हिसाब से एग्जाम्पल समझ लो, 180। और अब ये एंट्री क्या करती है, ये जीएसटी जो है ये एग्जेम्प्ट है, समझ आई बात। अब ईआरसीसी ने जो कलेक्ट किया रॉयल्टी, मान लीजिए वो रॉयल्टी जितने की भी है, समझ लीजिए 1,500 करोड़ रुपए की रॉयल्टी है, और उसके ऊपर जीएसटी निकल के आता है 1,500 करोड़ का 18% ही पकड़ लेते, एक सेकेंड, 1,500 × 18% 270 करोड़, समझ में आया बात, 270 करोड़ जीएसटी निकल के आया। अब जरा टेक्स्ट पे आ जाओ वापस, एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया 1 साल का था, ईआरसीसी को एक अकाउंट स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, और ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ जीएसटी डिपॉजिटेड बाय माइनिंग लीज होल्डर, बोलो यहां पे कितना है, 270 करोड़। ये क्या है, अमाउंट ऑफ जीएसटी डिपॉजिटेड बाय माइनिंग लीज होल्डर, या आपके माइनिंग लीज होल्डर ने जो डिपॉजिट किया वो है, इज मोर देन जीएसटी एग्जेम्प्टेड ऑन सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू ईआरसीसी ऑफ असाइनमेंट ऑफ कलेक्ट रॉयल्टी राइट। देख लो भैया वैसा ही है ना, यहां पे क्या है, ये जो है ज्यादा है इस एग्जेम्प्टेड वाले से, मतलब एग्जेम्प्टेड जीएसटी इज लेस देन अमाउंट ऑफ जीएसटी डिपॉजिटेड, बोलो हाँ कि ना, हाँ सर ये है, ऐसा है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं रहा तो, एंड वेयर सच अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय माइनिंग लीज होल्डर इज लेस देन अमाउंट ऑफ जीएसटी एग्जेम्प्टेड, तो क्या होगा, लेस मतलब पता है, मान लीजिए 1,500 नहीं रहा हुआ, ये 900 ही हुआ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ फिर से, हाँ वो पहले आप लिख लेना फिर ये वापस नोट करना, ये नहीं मैं काम करता हूँ एक सेकेंड, वो 1,500 था उस पर 270 करोड़ जीएसटी आया, ये तो ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन बना रहा हूँ बेटा, मान लीजिए 900 हुआ, अब इस पर जीएसटी कितना आएगा, 900 × 18% 162, 162 करोड़, ओके।
अब इससे कंपेयर करो, कम है? हाँ, कितना कम है सर? 180, 162, 12 करोड़ कम है। अब ये 12 करोड़ पता है कौन भरेगा? ये भरेगा ईआरसी से, जेब से भरेगा, भर ऐसा एग्रीमेंट रहता है। आया समझ में पैराग्राफ? तो फिर टैक्सेबल नहीं है ये 12 करोड़ डिफरेंस। अगर इक्वल रहा तो कोई हरकत नहीं, 180 180 इक्वल नहीं, कम एग्जेम्प्ट हमने जितना किया, अगर उससे आप ज्यादा भर रहे हो लीज होल्डर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उससे कम भर रहे हो यार तो डिफरेंस अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, हमको उतना चाहिए जितना हमने एग्जेम्प्ट किया, कम से कम, जेब से नहीं देंगी गवर्नमेंट। ये देख लो, एग्जेम्पशन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू सच अमाउंट एज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय माइनिंग लीज होल्डर। 162 तक का ही एग्जेम्पशन देंगे, और जो डिफरेंस है कितना वो भरना पड़ेगा। अब यहां पे कितना पहले मिला था? 180 का एग्जेम्पशन मिला था, 180 का, लेकिन अभी एग्जेम्पशन चेंज हो जाएगा, कहां तक देंगे? 162 तक ही देंगे, तो बचा कितना? 18 पे करना पड़ेगा किसको? सॉरी 12, हाँ ये 18 है, सॉरी 18 18 किसको पे करना पड़ेगा? ईआरसीसी को। आई होप आपको समझ में आ गया। हाँ सर, आप समझ में आ गया, इसको प्रॉपर भी बना सकते हैं लेकिन रेलेवेंट नहीं है, समझने के लिए समझाया, तो आपको ड्रॉ करना है आप कर सकते हैं, ठीक है? सीधी सीधी लाइन बना बना के माइनिंग लीज वाले की डेफिनेशन है, कोई ऐसे विशेष रेलेवेंट नहीं है। हाँ, एंट्री नंबर 74A की अब बात करते हैं। 74A बेटा इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत आसान है, आपको बता दो, ड्रग्स छुड़वाने वगैरह। संजू मूवी देखी थी ना, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन रहते जो ड्रग छोड़ने में मदद करते, बराबर है, ड्रग्स छोड़ने में मदद करती, ये उसकी बात है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज्ड अंडर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट बाय वे ऑफ रिहैबिलिटेशन थेरेपी और काउंसलिंग एंड सच एक्टिविटी कवर्ड बाय द सेड एक्ट, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिहैबिलिटेशन सेंटर एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA। यहां लोकल अथॉरिटी नहीं है, इसको डाल दिया एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA। संजू मूवी नहीं थे, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वो है। चलिए, अब ये दो चीजें और हैं, इसमें साथ ही साथ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, ये दो हम देखेंगे, उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन सर्विस, तो नहीं होगा आज, इतना देख के क्वेश्चंस देख के ये लेक्चर एंड करता हूं मैं, ठीक है? ध्यान देना, सर्विस प्रोवाइडेड बाय पुलिस सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट टू पीएसयू कॉर्पोरेट एंटिटीज, स्पोर्ट्स इवेंट बाय प्राइवेट एंटिटीज, आईपीएल वगैरह, आईपीएल वगैरह में सिक्योरिटी पुलिस पुलिस रहती है ना, देखा कि नहीं देखा कभी? सर्विस प्रोवाइडेड बाय पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट टू पीएसयू प्राइवेट बिजनेस एंटिटी आर एग्जेम फ्रॉम जीएसटी, सच सर्विस आर टैक्सेबल सप्लाईज एंड रिसिपिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑफ अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन पेड टू गवर्नमेंट फॉर सच सप्लाई ऑफ सर्विस। रिवर्स चार्ज में आप चाहो तो देख सकते हो, उसके अंदर कवर था, ठीक है? देख लो, कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन बेंगलोर रिक्वेस्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन एंड अराउंड क्रिकेट स्टेडियम फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग क्रिकेट मैच, कमिश्नर ऑफ पुलिस अरेंज द रिक्वायर्ड सिक्योरिटी फॉर द एग्रीड कंसिडरेशन, ठीक है? कमिश्नर ऑफ पुलिस दे रहा है, तो इन दिस केस सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी बाय पुलिस आर नॉट एग्जेम्प्ट एज सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट कर्नाटक, सर्विस प्रोवाइड एज द सर्विस आर एज सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन कंसिडरेशन पेड एलबिट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब क्या है इसके अंदर? सर्विस प्रोवाइडेड बाय पुलिस सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट टू पीएसयू, इसके अंदर क्या होगा उसके बारे में है, ये एग्जेम्प्ट नहीं है, सॉरी आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, इसके अंदर रिवर्स चार्ज लगेगा, ठीक है? इसके अंदर रिवर्स चार्ज लगेगा क्योंकि गवर्नमेंटल एजेंसीज है, पीएसयू को सर्विस दे रही है, एग्जेम्प्ट बिजनेस एंटिटीज को दे रही है, इस पे रिवर्स चार्ज में, यानी उसको क्रिकेट एसोसिएशन कर्नाटक, यहां पे एग्जांपल में देखे तो कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर्विस बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आपको अभी बताया था, ठीक है? इन केस एनी ऑफ द पार्टीज ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी रीजन, कोई भी ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट होता है इंक्लूडिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या परफॉर्म ही नहीं कर रहे, सच पर्सन इज लायबल टू पे डैमेजेस इन द फॉर्म ऑफ फाइन, पेनल्टी और अटू अदर पार्टी भी। आपने मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, ये समझाने की जरूरत नहीं, आप इंटर लेवल स्टूडेंट हो। Tolerating non-performance of contract is an activity or transaction which is treated as supply of service, क्योंकि anything other than goods is supply. तो ये भी जो contract charges मिले, कुछ ना करना,
कुछ ना करने के लिए भी अगर पैसे मिलते तो सर्विस हुई ना यार, देखा था मैंने, बताया था शेड्यूल, कुछ ना करने के भी शेड्यूल टू के अंदर आता है। एंड द पर्सन इज डीम्ड टू हैव रिसीव कंसिडरेशन द फॉर्म ऑफ फाइन्स अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन अमाउंट। हाउएवर इन केस ऑफ सप्लाइज टू गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट की बात आती है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सप्लायर इज कवर्ड अंडर एग्जेम्पशन अंडर एंट्री 62 ऑफ द नोटिफिकेशन। दस एनी कंसिडरेशन रिसीव बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को ये पैसे मिलते हैं कुछ ना करने के, या आपने कुछ गड़बड़ किया, गवर्नमेंट के साथ धोखा किया, या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, या नॉन परफॉर्म किया, और उसके बदले में टॉलरेटिंग चार्जेस, डैमेजेस, कुछ भी पेनल्टीज वगैरह आप गवर्नमेंट को देते हो फ्रॉम एनी पर्सन और या सप्लाई फॉर नॉन परफॉर्मेंस इज एक्सेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, लेकिन किसी और, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए एक्सेम्प्ट है, समझ लेना। पीडब्ल्यूडी ऑफ कर्नाटका एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद मेसर्स एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस कॉम्प्लेक्स फॉर एन एग्रीड कंसिडरेशन। इन दिस एग्रीमेंट डेटेड सो एंड सो, इट वॉज एग्रीड दैट बोथ द पार्टीज दैट एबीसी शेल कंप्लीट कंस्ट्रक्शन एंड हैंड ओवर द प्रोजेक्ट बिफोर दिस। इट वॉज फर्दर एग्रीड दैट एनी ब्रीच इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय आइदर पार्टी वुड गिव राइट टू अदर पार्टी टू क्लेम डैमेजेस फ्रॉम पेनल्टी। अब ये गवर्नमेंट को डैमेजेस दे रहे तो एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट ने किसी को दिया तो एग्जेम्प्ट नहीं है, ये बता देता हूं। ये सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट है, सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट नहीं है। मेसर्स एबीसी डिड नॉट कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन एंड डिड नॉट हैंड ओवर द प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर दिस डेट एज पर कॉन्ट्रैक्ट। डिपार्टमेंट आस्क्ड टू पे डैमेजेस फ्रॉम एबीसी एंड थ्रेटन्ड टू गो टू कोर्ट इफ नॉट पेड। एबीसी ने डैमेजेस दिए 10 लाख के, सॉरी कर्नाटका को, क्या कर्नाटका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ना, पीडब्ल्यूडी को। अब ये देख लो आप, इस केस में हमारे एबीसी कंपनी ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को क्या दिया, 10 लाख, और बदले में क्या दिया पीडब्ल्यूडी ने, टॉलरेट किया, क्या नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को टॉलरेट किया। तो ये सर्विस है, ये क्या है, सर्विस है बेटा, ये सर्विस दिया उसके बदले में 10 लाख रुपए दिए। दिया किसने, पीडब्ल्यूडी, गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट सर्विस बाय गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर उल्टा होता है तो टैक्सेबल है, ध्यान, उल्टा होता मतलब एबीसी ने पीडब्ल्यूडी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया और एबीसी ने टॉलरेट किया तो पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट को पैसा देंगी 10 लाख, पीडब्ल्यूडी एबीसी को पैसा देंगी और एबीसी क्या करेंगी, टॉलरेट करेंगी, तो टैक्सेबल है, समझ लेना, ठीक है। गिवन बाय गवर्नमेंट टॉलरेंस सर्विस इज एक्सेप्ट। Recently, Messrs. ABC paid an amount of 10 lakh to the performance. Amount paid by Messrs. ABC to department is exempt from payment of tax. Simple सी बात आई, बात समझ में। अब इससे related एक question है बेटा हमारे पास, question number 8, वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, just a minute, question number 8 मैं निकाल लेता हूं। ये रहा, खाटू श्याम पोस्ट ऑफिस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विस टू पर्सन अदर देन गवर्नमेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020, ऑल चार्जेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। खाटू श्याम पोस्ट ऑफिस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस है, देख लो सर, अदर देन गवर्नमेंट, टू पर्सन अदर देन गवर्नमेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च, द ऑल चार्जेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है। अब गवर्नमेंट गवर्नमेंट को देती तो पोस्टल, इसका क्या होता है बताना, बोला पोस्ट वाले ने अगर गवर्नमेंट को दिया तो एंट्री 6 ध्यान रखना, अगर आपको याद नहीं तो बता देता हूं, एंट्री नंबर 8 के अंदर है सर्विस गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसमें ये एबीसी कवर नहीं होते, तो ये पोस्ट वगैरह कवर नहीं होते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, तो यहां तो वैसे गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया ही नहीं है, उस हिसाब से ही लिया गया है, तो चलिए इसको देख लेते हैं बेटा एक बार अपन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। पहला है बेसिक मेल सर्विस, बेसिक मेल सर्विस का क्या होता है, वो तो एग्जेम्प्ट है, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, वो सब थोड़ी है, ट्रांसफर ऑफ मनी ऑर्डर, सेविंग अकाउंट, ये सब एग्जेम्प्ट है, याद है नहीं है, अरे बाबा ये सब एग्जेम्प्ट है एंट्री नंबर 6 के अंदर। चलिए दिखा देता हूं एक बार, तो फिर बोलोगे सर ने दिखाया ही नहीं बराबर,
ये रहा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये रहा। सिर्फ ये तीन जो है ये टैक्सेबल है, बाकी ये सब जो बेसिक मेल सर्विस, ये देखिए हाउ फॉलोइंग सर्विस प्रोवाइडेड आर नॉट लायबल टू टैक्स, बेसिक मेल सेविंग अकाउंट, ये सब लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। बेसिक मेल सर्विस हो गई एग्जेम्प्ट, मनी ऑर्डर एग्जेम्प्ट, सेविंग अकाउंट एग्जेम्प्ट, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, बोलो क्या करूं इसका। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह टैक्सेबल है, देखना चाहो तो देख सकते हो वापस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, पासपोर्ट एप्लीकेशन, ये भी टैक्सेबल है। इश्यूएंस ऑफ पोस्टल ऑर्डर, ये एग्जेम्प्ट है। कलेक्शन ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल टैक्सेबल, और पेंशन पेमेंट सर्विस एग्जेम्प्ट, स्पीड पोस्ट सर्विस टैक्सेबल, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, ये भी टैक्सेबल, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो दो और पांच सात, सात और एक आठ, आठ और पा आठ और दो 10 और 15 लाख टोटल आता है, 15 लाख। आसान था क्वेश्चन, आप लोग इसको देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ इसमें विशेष भी नहीं है, मतलब 9th क्वेश्चन तो अलग है थोड़ा। हाँ ठीक है बेटा, अभी यही रुकते हैं, लेक्चर 2 घंटा 20 मिनट, ओ माय गॉड, ठीक है यही रुकते हैं, टिल देन बाय।